एक बार इसका परिभाषा देख लीजिए, प्राकृतिक नियम जो है ना, प्राकृतिक नियम बाबा ने दो चीज प्राकृतिक कही, तो प्राण प्राण सूत्र प्राण व्यवस्था जो मानव नहीं बना सकता कभी भी, और चैतन्य परमाणु मानव नहीं बना सकता। ये दो चीज मुझे याद था नहीं, ये दो चीज प्राकृतिक है जिसको मानव नहीं बना सकता। हाँ, और भी चार पांच मुद्दे हैं उसमें प्राकृतिक नियम, उसमें से एक मुद्दा तो इसमें लिख दिया उन्होंने पूरकता वाला। मतलब लिखने में कहीं पे आया है, परिभाषा में नहीं है, पर ताप दाब परिभाषा में नहीं है, भौतिकवाद में मुझे लगता है ताप दाब प्राकृतिक नियम संतुलन, ताप संतुलन दाब संतुलन ऐसा और है क्या था? ये आगे वही लिखा है, ताप संतुलन दाब संतुलन ऋतु संतुलन आगे आएगा शायद इसमें भी। चलिए अभी अपन थोड़ी देर बाद में, मैंने इसको निकाला हुआ है पढ़ के बता, प्राकृतिक नियम लैपटॉप पे है। एक तो संतुलन के अर्थ में नियम है, दूसरा पूरकता के अर्थ में नियम है, तीसरा विकास क्रम विकास के अर्थ में नियम है, प्राकृतिक नियम। विकास क्रम विकास भी प्राकृतिक नियम है, उदात्तीकरण भी प्राकृतिक नियम है। केवल ऋतु संतुलन और ताप संतुलन दाब संतुलन खनिज संतुलन इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी है, जैसे वो पूरकता है, तो यहाँ पूरकता की बात कर रहे हैं, आगे और भी संतुलन की बात करेंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक नियमों को जानना मानना पहचानना निर्वाह करना परम आवश्यक है। तो पहली विधा से तो ये हो गया, तो दूसरा क्या? पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था के लिए पूरक होना सर्वविदित तथ्य है। धरती पर ही सभी अन्न वनस्पति वन संपदा का होना देखा गया है, यही प्राण अवस्था की वस्तुएं हैं, और ये सभी निष्प्राणित होने के उपरांत इसी धरती में समाता हुआ हर मानव देखता है। इसके साथ साथ और तथ्य भी जुड़े हुए हैं। यह धरती अपने आप में अथक प्रयास और प्रक्रिया सहित ऋतु संतुलन व्यवस्था को प्राप्त किया, तभी इस धरती पर वर्षा ठंडी गर्मी की निश्चित दिनों का मासों का गणना मानव में प्रचलित रूप में ज्ञातव्य है। ऋतु संतुलन की महिमा ही है, इस धरती में संपूर्ण अन्न वनस्पतियां स्वयं स्फूर्त विधि से अलंकृत सुशोभित हुआ करते हैं। जैसे शिशिर ऋतु में पत्ते पक जाना, वसंत ऋतु में पल्लवित होना कुसुमित होना, वर्षा ऋतु में अपने में परिपुष्ट होना देखा जाता है। इस विधि से वन संपदाय समृद्ध होता हुआ देखने को मिलता है। धरती पर अन्न का उपज मानव के संयोग से संपन्न हो पाता है। मानव अपने लिए उपयुक्त आहार वस्तुओं को अनेकों प्रयासों के उपरांत पहचान पाया है, और उसकी उपज विधियों में अथवा उत्पादन विधियों में पारंगत होता आया है, और परंपरा में कृषि कार्य की आवश्यकता प्रवृत्ति पारंगत होने की परंपरा परिवार गांवों में स्थापित होती हुई देखने को मिली। आज तमाम शहर नगर का उदय होने के उपरांत भी कृषि कार्यों का सर्वाधिक धारक वाहकता गांव में ही देखा जाता है। इस विधा में अन्नोपज में विपुलता को पाने के लिए वैज्ञानिक प्रवृत्तियां भी अनेक प्रयोगों का को कर गुजरा। अन्न वनस्पतियां अपने आप में नैसर्गिक प्राकृतिक विधि से जो गुणों को स्थापित कर ली थी, वही गुण कितने भी मोटा बड़ा ऊंचा बनाने की क्रियाओं स्थितियों को देखा गया। जैसे गेहूं को मोटा दाना बना दिया, पतले दाने के स्थान पर दाना मोटा तो हो गया, एक एक दाने में जो पुष्टि तत्व नैसर्गिक विधि से प्राप्त था वह उतनी ही मात्रा में विद्यमान रहता हुआ देखने को मिला।
इन प्रयासों में विभिन्न प्रजाति के पराग सिंचनों, रासायनिक उर्वरक विधियों, कृत्रिम पराग विधियों को भी अपनाकर कृषि संस्कार को स्थापित किया। वैज्ञानिक युग के पहले जितने भी प्रजाति की अन्नोपज स्थापित हुई वे सब नैसर्गिक, भौगोलिक और जलवायु के आधार पर विकसित हुई। जितने भी अन्य प्रजातियों को मानव ने पहचाना है उन भौगोलिक परिस्थितियों में अपने मूल रूप में प्रकृति प्रदत्त रहा। जैसे जंगली धान को अनेक प्रयोगों सहित ही घरवा बना पाए। आज भी मोटे पतले जंगली धान प्रचलित है। इसी प्रकार अन्य अनाज तैलीय रूप को पहचानने के उपरांत ही परिवार और ग्राम परंपरा में लाकर अभ्यस्त हो चुके थे। जो प्राकृतिक रूप में धान का पौधा मिलता है उसका संग्रहण सहज न होने की स्थिति को झेलता हुआ आदमी उसे संग्रहण योग्य बनाने के कार्य को जैसे ही बाली में एक एक दाना परिपक्व होने की स्थिति में बाली से गिर जाना देखा जाता है। जबकि घरेलू परंपरा में जो शामिल हो चुके हैं ये सब बाली को संपूर्ण दाना पकते तक सूखते तक रहना, कोई प्रजाति का धान पकते तक रहना देखा जाता है। इसी क्रम में कृषक अपने ज्ञान विवेक का प्रयोग करते तक सभी प्रकार के अनाजों का परंपरा बनाए रखा। यह परंपरा एक दूसरे को अंतरित होने में किसी भी प्रकार की दुराव छुपाव नहीं रहा। इसका लोकव्यापीकरण करने में वंचना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा कानून की प्रवृत्ति नहीं रही। आदिकाल से भी जो ज्ञान विवेक तकनीकी को सदा सदा ही परंपरा में स्थापित करने का प्रयास बना ही रहा यही लोकव्यापीकरण प्रवृत्ति को प्रमाणित करता है। अभी जैसे ही अत्याधुनिक और जटिल विधियों से ये परंपरा बना रहा है, उसको बता रहे हैं बीज परंपरा का लोक व्यापीकरण, और उसमें उसको खाने के लायक बनाए, जंगली धान को खाने के लायक बनाए, जंगली सब्जियों को खाने, जैसे भिंडी को खाने के लायक बनाए। बहुत सारी प्रजाति जो है ना जंगली थे, उतना उसमें मानव के लिए उतना उपयुक्त नहीं था, उसको धीरे धीरे उसको अपने उसके आधार पर बना लिया। तो वैसे ही जो बाबा जी बता रहे हैं कि जो धान था तो जब वो पकता था तो उसके बीज गिर जाते थे जमीन में, फिर उनको इकट्ठा करना मुश्किल था, तो फिर उसमें थोड़ा सा विज्ञान का प्रयोग करके, आधुनिक विज्ञान नहीं, जो किसानों में परंपरागत विज्ञान था, तो उससे जो है उन्होंने पहचाना कि वो उसमें से झरेगा नहीं, है ना, तभी जाके उसको इकट्ठा करके उसका उपयोग कर पाएंगे। ये सब चीज़ें परंपरा में होती रही हैं, बहुत सारी चीज़ें परंपरा विकसित हुई। उसमें भी वो कह रहे हैं कि इनको बेचने की प्रवृत्ति नहीं थी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसा कोई वो नहीं था, तो लोग कोई प्रयोग सफल होने के बाद उसको प्रयोग को दूसरे को बताते ही थे, है ना, कोई दुराव छुपाव नहीं, कोई दुराव छुपाव नहीं था, ऐसा था इस रूप में। उसका दाना आप बोगे ना वो मीठा होगा और 100% लाल ही होगा, मतलब वो सफेद में भी निकाला हो गुड़ में आप करके करोगे लाल ही होगा। हाँ, तो ये जो जो विज्ञान था परंपरा में तो वो कैसे ही विकसित हुआ होगा, लोगों ने कई प्रयोग किए होंगे, उसमें से ये वाला प्रयोग सक्सेसफुल हो गया होगा। अमर सिंह जी बताते हैं ना, बाबा जी ने बताया था वो गेहूं जो है उसका उपसा में थे ना, तो उन्होंने बताया कि गेहूं जो है उसको घी में वो डुबो के रखना है। गेहूं को है, चावल को, चावल को प्रोटीन के लिए वो जो बताया था ना, हाँ, वो चावल की भी वराइटीज ऐसी ही बनी, बहुत सालों तक, मतलब
सौ सौ साल उसको घी में लगाते रहे तो उसका जो है सुगंध हुआ, फिर बहुत सारा डेवलप हुआ ऐसे परंपरा में, परंपरा में। भवन सिंह पर वो गेहूं पे कर रहे थे, वो गेहूं पे कर उस समय थे ना, वो बता रहे थे बिंदुओं में कैसा अच्छा। ऐसा उन्होंने किया, बाबा जी ने उनको बोला ऐसा ऐसा करो, अच्छा तो उन्होंने ऐसा वैरायटी फिर डेवलप किया। हाँ वो गमले में करते रहे बहुत सारा, हाँ प्रयोग करते रहे हर साल हर साल। बाबा ये भी बताते रहे कि बहुत सारा ये जो अभी तक जो बीज परंपरा है ना, वो लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इसको किया है, उस तरह से उन्नत हुआ था वो जो हम लोग उसको वापस खराब कर रहे हैं, वापस हाइब्रिड करें वो खराब कर रहे हैं पूरा है। संकर जो बीज तो मतलब जैसे चावल का तो सब खुशबू चले ही गया, चला गया, इवन बासमती में ही खुशबू नहीं आता। हम लोग जब ये राम भोग और ये भोग ये सब खाते थे ना, उसका ऐसा था घर में पकता था तो पड़ोस तक खुशबू आती थी। आज तो कोई भी चावल बासमती भी बना लीजिए तो भी खुशबू नहीं आती, खुशबू तो चली गया, गुणवत्ता चली गई। वो साधन भाई बता रहे थे कि बासमती खाने से सर्वाधिक डायबिटीज होता है, डायबिटीज जो बासमती चावल को कुछ ऐसा किया है इन लोगों ने ज़्यादा पैदा करने के चक्कर में, वो डायबिटीज़ का कारण बनता है। ये जो लाल चावल खाते हैं जो उससे डायबिटीज़ नहीं होता। अभी ये भी है कि जो ये सस्ता जो देते हैं ना चावल, ये जो एक रुपये दो रुपये रेशनिंग वाला, तो जो डायबिटिक लोग होते हैं वहाँ से लाते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत कम स्वीटनेस रहती है तो उससे डायबिटीज़ नहीं बढ़ता, तो वो चावल भी बहुत अच्छा है। खाने में भी हाँ, जैसे 3 रुपये किलो मिलता है गुजरी ऐसा है, मुमरा और कोहा में यूज होता है, उसमें कम बहुत रहता है, उसका जो चावल डॉक्टर भी बोलते इसका खाओ कोई दिक्कत नहीं है, खुशबू भी वैसे उसका पैसा कम है पर वैल्यू बहुत ज्यादा होगी उसकी। काफी सारे लोगों को दिखने में अच्छा नहीं लगता है, नहीं खाते सब लोग, पहले आँख से खाते हैं फिर बाद में नाक से खाते हैं फिर बाद में जीभ से खाते हैं, ऐसे होता है। तो हमेशा आँख से खाते हैं ना तो उसको सब चीज एक बार ठीक ठाक लगनी चाहिए, पॉलिश्ड, फिर नाक से खाते हैं पोषण के लिए उसके बाद। साफ हो गया लेकिन मनुष्य को ये मालूम नहीं पड़ा कि क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। अच्छे की तो बात है, अंदर की तो बात ही है, क्या खाना क्या। हमारे यहाँ तो 4-5 हजार प्रकार का चावल था, 4-5 हजार प्रकार का, हाँ ज्यादा उससे ज्यादा 6 हजार तक बोलते हैं शायद लोग। अभी भी हिंदुस्तान में कई 2-4 हजार प्रकार का चावल है, उनमें से कई चावल ऐसे भी हैं जो खाने के लिए नहीं होते, वो मसाज के लिए होते हैं। वो केरल में चावल का मसाज के पोटली कर पोटली, तो वो चावल खाने का नहीं रहता, नहीं रहता। उसका भी प्रोडक्शन होता है, वो उसको भात बना लेते हैं फिर पोटली में रख के उसका मसाज कर, उससे कई रोग जो है वो दूर होते हैं। वो जो विज्ञान था वो विज्ञान भी विलोपित हो रहा धीरे धीरे, ये जो बाजारवाद के चक्कर में है, बाजारवाद के चक्कर में जो सही चीज है वो भी मतलब हर आदमी को ऐसा लग रहा है कि भाई ये एक्चुअल वो बोल रहा है वो है कि हकीकत में वो पैसा कमाने के लिए बोल रहा है। हाँ मतलब जैसे आज हर जगह पे पैसा आया तो फिर मतलब क्या है बाजारवाद में वो आ गया। हाँ वो ऑर्गेनिक स्टोर होते हैं ना उसमें ऑर्गेनिक कितना रहता है बहुत मुश्किल है पता, बहुत कम संभावना है, आप पास कोई टेस्ट तो है नहीं, कैसे टेस्ट विश्वास से ही हो सकता है। बोलते हैं ना आदमी जब तक ऑर्गेनिक नहीं होता तब तक प्रोडक्शन उससे ऑर्गेनिक नहीं होता, आदमी ऑर्गेनिक होना जरूरी है, इससे पहले हो ही नहीं सकता, मानसिकता में गड़बड़ है प्रोडक्शन में गड़बड़ करेगा।
और जो मेन चीज है उसके उसके पर ही काम बाकी है, मानसिकता पे। मानसिकता तो लाभ की है, वही चीज लाभ होता नहीं। अभी तो हम लोग ज्यादातर ये समझ लेंगे साफ सुथरा और एक साइज का है वो ऑर्गेनिक है, ऐसा करके स्टोर में सब सजा मिल जाती है ऑर्गेनिक स्टोर वाला। अच्छे पैकिंग में डाल दो, अच्छे शब्दों से सजा दो, वो ऑर्गेनिक। अब मूल रूप से तो मानसिकता ही, मानसिकता हर जगह पे मानसिकता है, इसलिए मानसिकता परिवर्तन से पहले व्यवस्था कैसे आएगी, गुणवत्ता भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। आगे फिर कितने भी सम्मेलन करते रहिए, पृथ्वी सम्मेलन कर लो चाहे ग्लोबल सम्मेलन, ज्यादातर गड़बड़ी हुई है जब से कृषि विश्वविद्यालय आए हैं देश में, ज्यादा जो गड़बड़ हुआ ना, जैसे ये परिवारों का टूटना भी यूनिवर्सिटीज के डेवलपमेंट से ज्यादा हुआ, और ये शिक्षा ने सोशल डिसइंटीग्रेशन सबसे खराब मानसिकता को जन्म देने वाली जगह विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो होती है, जैसे जेएनयू, अभी जेएनयू की मानसिकता देखिए क्या है, सबसे गंदी मानसिकता के लोग जेएनयू में। केवल बोलना अच्छा आता बस, वो भी क्या बोलना, वो भौतिकवादी तर्कों को बोलना बस उतना ही आता है, बाकी कुछ भी नहीं है, ना रिलेशनशिप है, ना आचरण है, ना कुछ भी नहीं, ना राष्ट्रीयता है, ना मूल है, ना चरित्र है, ना नैतिकता है, कुछ आधारित है, कुछ आधारित। हमारे तो कई मित्र, हमने क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस करी ना वहाँ पे जेएनयू में, तो उन्हीं लोगों से सुन के तो आश्चर्यचकित हुआ, ऐसा लगा कि हम ये कहाँ गंदी जगह में आ गए। ऐसा पहले हम सोचते थे जेएनयू में कॉन्फ्रेंस करी तो हमने समझ लीजिए बड़ा बड़ी उपलब्धि कर उपलब्धि। हमारे कनकमल जी ने कहा हमसे कि आपने बाकी तो कर ली, जेएनयू में एक कॉन्फ्रेंस करके बताओ। कर दी, दो तीन कर दी, तो बहुत लोगों से दोस्ती हो गई, दोस्ती होने में पता लगा इससे गंदी कोई जगह नहीं। जो हमारी यूनिवर्सिटी है सागर यूनिवर्सिटी है माखनलाल, उसमें तो गंदगी 10% 15% ही है, जेएनयू में 99% है, और इससे कोई गंदगी हो कैसे है, हर तरह का करप्शन है। आप जितने प्रकार का अपराध सोच सकते हैं वो सब अपराधों का कॉन्फ्रेंस वहाँ होता है, अनौपचारिक कॉन्फ्रेंस होता है हॉस्टल्स में बैठ के ग्रुप, और ना केवल कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं रहता, वो करते हैं जाके नॉर्थ ईस्ट में, अगर आपको दंगे कराना है आतंकवादी वो अलगाववादियों को हवा देना है तो जेएनयू, कश्मीर में हवा देना है तो जेएनयू, है ना, ऐसा। यदि आपको पैसा कमाना है ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों का शोषण करके तो उसकी जगह जेएनयू, जेएनयू के लोग बैठ के सब प्लान करते हैं। आपको आश्चर्य हो रहा होगा जितने, हाँ राजनीति में जितने धुरंधर लोग हैं जो करप्ट लोग हैं सब जेएनयू प्रोडक्ट, वो जो स्वामी अग्निवेश है वो भी जेएनयू का पड़ा है, वो आध्यात्म को बेचता है। हमारे भी जो हारमोनी वाले हारमोनी के कॉन्फ्रेंस, वो जो जब वहाँ का प्रोफेसर बोलता है ना और आपके गुजरात यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बोलेगा तो गुजरात यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर उनके सामने कुछ नहीं है, इतना
तैयारी के साथ वो पेपर प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसका चरित्र देखोगे आप तो गुजरात का आदमी हजार गुना अच्छा हो। उनके लिए ना तो परिवार है, ना समाज है, ना राष्ट्र है, ना कोई नैतिकता, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ नहीं है। मतलब जेएनयू की हॉस्टल में रहने वाले जो लड़के लड़कियां हैं उनमें 99% में सेक्सुअल क्राइम है। क्राइम का शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब जो जेएनयू के हॉस्टल में रह रहा है लड़का लड़की, समझ लो वो करप्ट है, चारित्रिक रूप से उसमें है। और उसमें कोई बच्चे जानबूझ के करते नहीं, वो तो वातावरण ही है, वो मानसिकता ही बनाते हैं बेटे। वो मानसिकता के विपरीत कोई आदमी रहता है, बच्चा रहता है, उसका मजाक बना बना के उसको 3 महीने में उसको ऑलमोस्ट, फिर वो मल्टीप्लाई हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गया। फिर वो हम वहाँ गए, एक नोएडा में एक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कलगोटिया नहीं, एक जिसका खूब MAT MAT में गए। MAT सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली यूनिवर्सिटी है, सबसे ज़्यादा। तो उसमें सब पैसे वाले लोग आते हैं ना, करप्ट लोगों के बच्चे आते हैं। तो MAT यूनिवर्सिटी जाएंगे आप तो जितना सेंट्रल सेक्रेटरीट के सामने गाड़ियाँ नहीं रहती, इससे ज़्यादा गाड़ियाँ MAT यूनिवर्सिटी के चारों ओर। यूनिवर्सिटी नोएडा में बनी, उसके चारों ओर सड़क है, चारों ओर पार्किंग को जगह नहीं मिलती, इतनी गाड़ियाँ जो है वो बच्चे लेके आते हैं, पढ़ने वाले बच्चे। और इसके बाद उन बच्चों में समझ लीजिए 50% से ऊपर तो ड्रग एडिक्ट है। तो हमको, हमारा लेक्चर था तो हमको जो वहाँ का जो हेड था उसने कहा, बच्चों से, आपसे यदि बच्चे कुछ प्रश्न पूछेंगे तो बहस नहीं करना है, नहीं तो आप आर्गुमेंट में चले जाओ और फिर कुछ बदतमीजी हो जाए सर, है ना, वो यूनिवर्सिटी कुछ नहीं कर पाएंगे, आप अपनी बात बोलिए, नहीं और ज़्यादा बहस हो तो चुप हो जाएगी। पहले हम ऐसा सोचते थे, हमारी सागर यूनिवर्सिटी में हम पढ़े तो सागर में जितने गुंडे हैं, सागर शहर में जितने गुंडे, वो सब यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव लड़के गुंडे बने। उन्हीं गुंडों में से कुछ लोग MLA हो गए, कुछ मिनिस्टर हो गए, जैसे ये हमारा जो अभी होम मिनिस्टर था ना, उसे गोविंद सिंह राजपूत, तो वो ऐसे ही था, छात्र संघ का चुनाव लड़ा, गुंडागिर्दी करता था, हमारे से 1-2 साल सीनियर था, हमको सब पता क्या करते थे। तो हर शहर की जो कल्चर थी ना, उसको ख़राब करने में यूनिवर्सिटियों का योगदान है, विश्वविद्यालयों का योगदान। और फिर परंपरा बन जाती है ना, फिर वो कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी जो पॉलिटिक्स में जाना है और आगे बढ़ना है तो फिर यही रास्ता अच्छा है, यही रास्ता बराबर है। और फिर बहुत बड़ा खतरा है बाकी दुनिया का, मुझे पता नहीं कि BJP और RSS मजबूत होने के बाद इनमें जो नीचे का युवा ग्रोथ जो आई है ना, इनमें जुड़ी है ना, वो अधिकतम करप्ट होगा रास्ता में, जैसे मैं बता दू मेरे हिसाब से इंडिया पूरी नहीं, जब जिसकी ताकत देखनी शुरू होती है ना, वो करप्ट बड़ा चालाक होता है, वो उसमें घुस जाता है, तो बाबा जी जब ये कहते थे ना, अपराध के अलावा कुछ किया तो बताओ, तो तब ये सारा दृश्य दिखता था, सारा अपराध, शोषण, राजनीति, गुंडागिर्दी, माफिया, ये सब वहीं पे पनपता है, पढ़ा लिखा। इसीलिए तो जो इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं वो सब पढ़े लिखे ही लोग हैं, वो सब यूनिवर्सिटियों से ही, और बहुत तेज तरह हैं, बहुत तेज तरह सब। इसका मानवीकरण करना बहुत कठिन चुनौती का काम है। अभी स्कूल में भी ये आ गया, स्कूलों में आ गया। हम लोग जिनको मानते हैं कि बहुत
अच्छे स्कूल हैं, टॉप के स्कूल हैं, वहीं पे सबसे ज़्यादा खतरा, वहीं पे सबसे ज़्यादा गड़बड़ी। सरकारी स्कूल के टीचर को तो आपसे मतलब नहीं, वो आपका शोषण नहीं करेगा, लेकिन जो पब्लिक स्कूल का टीचर है वो शोषण भी करेगा, मैनेजमेंट भी शोषण करेगा। वो मैं तो केवल रिपोर्टिंग करता रहा हूँ ना अखबार में, वो स्कूल में खूबसूरत चेहरे की लड़कियों का सिलेक्शन कर लेते टीचर के रूप में, है ना, फिर वो रैकेट बन जाता। इंदौर में 3 स्कूलों पर रेड डाली है सब है। तो ये जो स्कूलों में जो अच्छी खूबसूरत लड़कियों का टीचर के रूप में सिलेक्शन करते हैं, उसके पीछे जो मानसिकता है वो काम वासना है। अच्छा, दोनों है, उसका मार्केटिंग भी होता है, जितनी खूबसूरत टीचर होगी तो लड़के जो है अट्रैक्ट होंगे, पेरेंट्स अट्रैक्ट होंगे, भाई टीचर खूबसूरत इसलिए वो अच्छे कपड़े पहन के आओ, सच के आओ। तो टीचर इतना डेकोरेट होके जाती है ऐसे बड़े स्कूलों में, आप देखिए सर, जैसे कोई फैशन परेड में जा रहे हैं। वही जो आप कह रहे थे आँख से, आज भी एग्जाम थी बच्चों की, टेंथ की, तो बच्चे ऐसे ऐसे तैयार होके जाते हैं, छोटी छोटी लड़कियाँ, वो सब मानसिकताएं करप्ट हो गई। आपने, आप लोगों ने खबर नहीं सुनी होगी, अभी इटली में आज फिर 350 लोग मर गए, दिल्ली मर रहे हैं, संख्या हो गई 2200, और सारी आबादी को जो है उन्होंने उसमें कैद कर दिया है, घरों में कैद कर दिया। हाँ ठीक बात। उसमें एक खबर है विचार करने वाली खबर, कि जो दुनिया की सबसे बड़ी ये जो पोर्न फिल्म बनाने वाली जो कंपनी है, उसने ये, क्योंकि लोग घर में कैद हैं इसलिए फ्री कर दिया, उसका पैसा लगता है ना चार्ज, उसको फ्री कर, आप घर में बैठ के देख सकते हैं। क्या संसार कहाँ जा रहा है, ये अभी खबर है भाई, खबर है। और उसके पीछे वो लोग जो बोल रहे हैं ना, जो लोग ना अंदर अंदर वो क्या बोल रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, घर से निकाल नहीं रहे, अभी वो घर में बैठ के फैमिली के साथ बात करना, ये तो कोई कहीं पे कुछ है ही नहीं। अब आदमी अकेला बैठा बैठा बाहर नहीं जा रहे, सब उन्होंने पाबंदी लगा दी, तो डिप्रेस हो रहा है, तो वो उसके लिए क्या एंटरटेनमेंट, तो फिर ये वाला जो पक्ष है वो करते हैं। तो भाई टीवी सीरियल तो चल सकते हैं ना, फिल्में देख सकते हैं, इतना वो तो बहुत आगे चले गए, अपने वहाँ सास बहू सीरियल से चल जाता है वो, एकदम वो हो गया उनका, क्योंकि वो डेवलप हो गए, कि वो कल्पना में नहीं आता ना कि सास बहू, सास बहू होगी तो झगड़ेगी ना, वो सब वो पार कर दिया, वो ऊपर ऊपर के लेवल पे ऐसा। और ये सब आता कहाँ से, यूनिवर्सिटियों से ही आता, ठीक बात, वही से ये वातावरण, परिवार से टूटा बच्चा, परिवार से टूटा वो कहाँ जाएगा, इंद्रियता श्रृंगारिकता ये दो ही जगह जहाँ पे जाके फंसेगा। भाई अभी रिलेशनशिप का सुख नहीं बचा तो फिर क्या है, तो शरीर के साथ जीना है, तो शरीर तो आप देखेंगे जितनी, जैसे JNU के सामने हौज खास है, हौज खास एक जगह है, बहुत खास में कम से कम क्या जगह, बहुत खास, बहुत खास, दिल्ली में, बहुत खास किलो में, IIT के नाम है, दिल्ली में जगह, उसकी बात बता रहा हूँ, वहाँ पर कम से कम एक जगह है बहुत खास में, वहाँ कम से कम नहीं होंगे तो 700-800 रेस्टोरेंट होंगे, और सभी जगह के रेस्टोरेंट हैं, सभी स्टेट के खाने पीने, हाँ इंटरनेशनल, इटालियन खाना है आपको, ऑस्ट्रेलियन खाना है, मेडिटेरियन खाना, जो भी खाना है वो सबके रेस्टोरेंट है। वो हौज खास विलेज है उसका village, नाम village, village, वो पूरा विलेज जो है ना रेस्टोरेंट में कन्वर्ट हो गया पूरा। कौन लोग इसमें आते हैं, वो JNU के स्टूडेंट, क्योंकि वो ख़त्म हो गया ना कि हमारे घर का खाना अच्छा होता है, मतलब हम लोग पहले ऐसा हॉस्टल में कहते थे घर से खाना लाए तो लोग छिना के खा जाते हैं, अब क्या है, अब रेस्टोरेंट में जाए खाना। और ये जो 700-800 रेस्टोरेंट हैं सभी में ड्रिंक होती है, मतलब फ्री नहीं होती, सब में ड्रिंक अवेलेबल, वहाँ पे दिल्ली में तो कहाँ, वो ड्राई स्टेट थोड़ी ना,
ड्राई स्टेट नहीं है इसीलिए तो मिलती है। अच्छा आपका फ्री का मतलब है मिलती है, यहाँ जो बैंड है वहाँ बैंड नहीं है। बैंड नहीं है, मैं मतलब एक साल दिल्ली में रहा तो दो तीन बार शूट के लिए बस खा जाना तो पूरी स्थिति को देख के। अच्छा तो बस खा तो लेट भी गया हो गया। हाँ हाँ, ड्रिंक विंक तो नहीं। अभी ये दो चीज़ें हो गई है ना, अब ये एक तो आप शरीर के आधार पर जी रहे हो, खाना और फिर नशा दो, और जो खाना खाने आते हैं वो पेयर में ही आते हैं। सबका अपनी गर्लफ्रेंड है तो इंटरनेशनल ही आते, ये यूनिवर्सिटी का प्रभाव है, उससे मार्केट पैदा हुए, उससे जो कल्चर पैदा हुई आपने। आप ये इनको किसी से मतलब नहीं, ना समाज से, ना आपके परिवार से जिस परिवार से है, ना समाज से, ना राष्ट्र से, ना मानवता से, कुछ से नहीं है ना। मतलब आज समझो सिगरेट वगैरह का बाकी का सब चीज़ उनको, किसी को क्या पता नहीं है कि क्या किससे क्या नुकसान होता है, सबको सब चीज़ मालूम है। वो मयूर भाई आए थे वैसे, और ये जो जैसे मान लो किसी चैनल में जाके हमको क्या बोलना है, इन्हीं रेस्टोरेंट में बैठ के तय होता है हमको क्या बोलना है। भाषण करने में सब बहुत चतुर, क्योंकि वहीं से पैसा आता है ना, बोलने का पैसा मिलता है, तो पूरी ऊर्जा बोल अच्छा कैसे बोलना है बस। और अच्छा बोलना क्या होता है, केवल सरकार को कैसे क्रिटिसाइज करना है, अच्छे काम को कैसे क्रिटिसाइज करना है, चाहे सरकार करे चाहे समाज करे, धार्मिक लोग करें उसको क्रिटिसाइज करना है, राज्य करे उसको क्रिटिसाइज करना है ना। कोई एकेडमिक जैसे आप मूल्य शिक्षा आप शुरू करिए, अभी ये सब विरोध में खड़े हो जाएंगे, ये दखियानुसी है और उनको दक्षिणपंथी बना रहे हैं, भगवाकरण कर रहे हैं सब, वही उसी उसमें मास्टर हैं, उसके विद्वान हैं। ऐसा सारा तो मानसिकता सबसे पहले जरूरी है, पहले तो मानवीय आचरण को समझना, मानसिकता होगी तो अपने आप आचरण आएगा। जैसे ये मानसिकता है तो उसका आचरण आ रहा है, उसका आचरण आ रहा तो उनका इकोनॉमिक्स आ रहा है ना, उनका सिस्टम जनरेट हो रहा है, क्लास लेस सिस्टम लेस नेशन लेस सोसाइटी है ना, रिलेशन लेस क्लास लेस है ना, और स्टेट लेस सोसाइटी, और रिलेशनशिप का मतलब लिविंग रिलेशनशिप। ऐसा वो मानसिकता, तो शिक्षा कैसे मानसिकता बनाती, मानसिकता कैसे आचरण को पैदा करता है, आचरण कैसे व्यवस्था बनाता है, तो ये इनके संबंध को पहचानना जरूरी है। सब हम लोग देख रहे हैं, केवल JNU की बात नहीं, सभी यूनिवर्सिटी में, सभी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, सभी कॉर्पोरेट में, सब यहाँ नहीं, यहाँ हम जो कर रहे हैं यही हो, जो अभ्यास करेंगे वही आचरण में। देखिए माउंट आबू में, माउंट आबू में 90% गुजराती जाते हैं, 90% वो जो टूरिस्ट माउंट आबू का जो टूरिस्ट टूरिज्म है वो 90% गुजराती, वो जो 90% जाते हैं उनमें से 90% दारू पीने जाते हैं, वहाँ तक भी नहीं जाते, अभी तो नजदीक हो गया रतनपुर हो गया बॉर्डर पे। इससे भी पहले माउंट आबू जो स्थापित हुआ है ना मूल से अंग्रेजों समय, उसके पीछे भी यही लॉजिक था, राजाओं को अनुकूल वातावरण में उसमें भी नकल क्या की, उदयपुर स्टैंड हुआ था ना उदय सिंह दरबार में, उसकी उन्होंने ये कॉपी की, उदयपुर भी उदय सिंह भोग विलासी था, उदयपुर उदय सिंह ने ही बसाया था, महाराणा प्रताप के बाद था पूरी जिलों की नगरी, उसकी 20 सालियां उसका डोम उन्होंने माउंट आबू में किया, ये अंग्रेजों ने, वो राजा मस्त रहते थे, पीछे कुछ भी करते रहो, और 250 साल 300 साल अपना दबा के किया, और अभी व्यापार उद्योग वही चल रहा है, तो भैया मुंबई इसी पे खड़ा पूरा वाइन और भोग विलासिता पे माउंट आबू स्ट्रक्चर टूरिज्म खड़ा है पूरा पूरा का पूरा। तो हम अभी पंजाब में गए थे तो हमने किसी से पूछा है ये कहाँ चंडीगढ़ खत्म होता है और कहाँ पे दूसरा शुरू हो जाता है, तो उन्होंने कहा कि जहाँ पे चंडीगढ़ में जो है ना शराब बहुत ज़्यादा होती है,
तो जहाँ पे भी शराब की दुकान आ जाए समझ लीजिए चंडीगढ़ खत्म हो गया, वो चंडीगढ़ की सीमा में रहती है शराब की दुकान, है ना। तो शराब की दुकान है पूरी बॉर्डर के चारों तरफ शराब की दुकान, और शहर में तो है ही, लेकिन जैसी बॉर्डर आएगी तो पांच सात एक साथ में मिल जाएगी इसीलिए वो पूरे राजस्थान में जो गाड़ियां चलती है ना सब रात में ही चलती, पूरी रात पूरी रात केवल वो ये ड्रग के लिए या वाइन के लिए पूरे, यानी लोग गाड़ी खरीद के गाड़ियाँ लाइन से खड़ी रहती पूरे दिन भर खड़ी रहती, और वो ड्राइवर लोग सब सोते रहते हैं, और जैसे ही वो रात को 10 बजता है तो सब गाड़ियाँ गायब पूरी गाड़ी, और फिर वो सुबह तक कहीं कहीं दूर तक कोई 400-500 किलोमीटर तक जाते हैं, और वो इतनी तेज चलाते हैं रात में बहुत तेज, क्योंकि सड़क खाली रहती है अपना, और जल्दी लौटना है भागना है ये अजीब। अरे हमको पता नहीं था ये ऐसा, हमने देखा वो सरदार शहर में पुलिस थाने के सामने कम से कम जो है 150 गाड़ियाँ ये जो पिकअप होती है पिकअप 150 राजस्थान का, और सुबह से शाम तक देख रहे खड़ी हैं, मतलब जैसे वो पार्किंग की जगह थाने के सामने। एक दिन रात में छोड़ने गए तो एक भी पिकअप नहीं, यार गई कहाँ है सारी इतनी सारी, तो सारी पिकअप जो है रात भर रात में पूरी हरियाणा और पंजाब घूम जाती है सुबह तक, और ऐसा लगेगा कि वो सब्जी लेने जाते हैं हरियाणा में, तो सब्जी तो रहती है उसमें लेकिन उससे ज़्यादा वाइन सारा रात का जो। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, खुद मिला के इतना ही है, इसको समझना चाहिए। इसीलिए सबसे बड़ा काम जो है वो मानसिकता बनाना, मानसिकता के लिए शिक्षा संस्कार, मानसिकता पूर्वक आचरण, आचरण पूर्वक व्यवस्था, और इसको हम अविभाज्यता में ही समझ सकते हैं ना। हम ये सोचें कि हम टुकड़े टुकड़े में कर लेंगे, जैसे हम एक आध परिवार ठीक हो गया उससे ठीक हो जाएगा, ऐसे होगा नहीं इस विधि से, है ना। क्योंकि मान लो हमने अपना परिवार ठीक हो गया, बच्चे तो बेचारे जाएंगे ही पढ़ने, हम उनको पढ़ाएंगे नहीं तो हम कहीं नौकरी में भेजेंगे, यदि समाज खराब है तो बच्चों का खराब होना तय है, थोड़ा बहुत संस्कार होगा थोड़ा बहुत बचा पाएंगे बह जाएंगे कहीं ना कहीं, बह गए लोग ऐसा कहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी बैठी चली जाए, और वो और इसका कोई जैसे कोई ग्राफ ही पता नहीं लगे, जैसे असंतुलन कहीं रुकेगा वो जगह ही नहीं पहचानने में आ रही कि यहाँ जाके प्रदूषण रुक जाएगा, यहाँ जाके हम ग्लोबल वार्मिंग जो है वो रुक जाएगी, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ऐसा कोई बिंदु पहचानने में नहीं, ऐसे ये पतन नहीं पहचानने में, ऐसा ऐसी जगह का ठीक है। आगे पढ़ते हैं, कोई बात चलती है तो कहीं दूर तक चली जाती है। अभी जैसे ही अत्याधुनिक और जटिल विधियों से बीज गुणन प्रक्रिया संपन्न करने का एकाधिकार कार्यक्रम के अनुसार कानून बनाने तक की प्रवृत्ति विज्ञान मानस में देखने को मिली। इस प्रवृत्ति का अनुमोदन पृथ्वी सम्मेलन विश्व बैंक के साथ में संपन्न होता गया कि वह इनके अनुमोदन सहित प्रस्तावित होता गया या इनको विदित ही है। इसमें दो विपदाएं हैं। ये विपदाएं सर्वाधिक कृषि कार्य करने वालों के लिए है। यदि हम तादाद के रूप में गेहूं धान मोटे फल और ज्यादा फल के आग्रह में आना अधिकांश लोगों में संभव है। इसी स्रोत को देखते हुए बीज गुणन कार्यों में विशेषाधिकार, उनकी कानूनी सुरक्षा, उनके लिए प्रयास,
किसी देश की स्वीकृति किसी देश की अस्वीकृति इस वर्तमान में देखा गया। यह वर्तमान 20वीं शताब्दी के 10वें दशक का मध्य भाग है। बीज जो विशेष प्रयासों प्रक्रियाओं से प्राप्त किया रहता है वह प्राकृतिक रूप में हर देश धरती में पुनः उत्पादन के उपरांत पहले बीज के समान नहीं हो पाता। इसका कारण वह जटिलतम संस्कार हर देश धरती में सुलभ नहीं रहता है। इसमें यह भी देखा गया बीज गुणन का मूल रूप में जो बीज था और आरोपित संस्कार था वह बीज में स्वीकृत न रहकर क्षणिक रूप में कार्य करने योग्य कृत्रिम संस्कार से बनी हुई थी। फलस्वरूप जिसको हम लोग वो कहते हैं ना उन्नत बीज, हाइब्रिड उन्नत बीज में जो है ना ये कृत्रिम संस्कार आरोपित कर दिया तो वो एक जनरेशन के बाद तो दूसरी जनरेशन में वापस आ जाता है अपने एक या दो जनरेशन के बाद वापस नेचुरल जो उसका है। और फिर उससे आगे निकल गए उन्नत बीज से तो फिर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज आ गए। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड तो जेनेटिकली टर्मिनेटेड सीड आ गया ना तो जिसका जिससे बीज से बीज नहीं बने तो मॉडिफिकेशन हुआ तो उसमें थोड़ा सा गुणवत्ता में अंतर आया मॉडिफिकेशन में आकार में भी इसमें भी और फिर टर्मिनेशन में जो परंपरा को टर्मिनेट कर दिया उससे परंपरा नहीं बनी। मान लीजिए इससे बीज का स्रोत ही खत्म हो गया तो एक स्थिति में फिर परंपरा ही खत्म हो जाएगी उससे या वो परंपरा को स्थापित करने में परिस्थिति में पुनः फिर बहुत सारा श्रम लगेगा। जैसे बहुत सारी जो प्रजातियां थी धान गेहूं आदि बहुत सारी दालों की वो सब खत्म हो गई उसका बीज ही नहीं है स्वरूप हर बीजों में समाई हुई स्तुषि अर्थात अंकुर का मूल रूप जिस पुष्टि का संग्रहण विधि उसी स्तुषि में संकेतित रहता ही है। इसी के साथ रचना स्वरूप का भी संकेत रहना पाया जाता है। इसका साक्ष्य ही है एक धान का बीज नैसर्गिकता को पाकर अर्थात धरती जल वायु और ऊष्मा को पाकर धरती के उर्वरकता के अनुपात में पौधे की रचना एक बीज अनेक बीज होने की प्रवृत्ति को प्रमाणित कर देता है। उसमें मूलतः पुष्टि संग्रहण कार्य की समानता ही बीजों में स्थिरता का आधार होना देखा जाता है। पुष्टि संग्रहण का मूल तत्व रसायन द्रव्य है जो संयोग विधि से रसायन द्रव्य अपने आप से उत्कर्षित होना पाया जाता है। रसायन द्रव्य का मूल वस्तु भौतिक पदार्थ है। भौतिक पदार्थों का मूल रूप परमाणु और उसमें निहित परमाणु अंशों के संख्याओं में प्रभेद ही है। अस्तु रसायन द्रव्यों का संगीतीकरण अर्थात एक रासायनिक अणु से दूसरे रासायनिक अणु का नैसर्गिक और पूरक प्रवृत्ति विधि से एक दूसरे के साथ जुड़कर कार्य करता हुआ देखने को मिलता है। हर पौधे के साथ जल वायु ऊष्मा और धरती संतुलन क्रियाकलाप में धरती में अर्थात भौतिक द्रव्य में रासायनिक क्रियाकलाप की प्रवृत्ति बनती ही रहती है और हर पौधा पेड़ मिट्टी में मिलकर धरती की उर्वरकता और उसकी समृद्धि कार्य में पूरक होना भी दृष्टव्य है। इस विधि से हर बीजों में पुष्टि संग्रहण और रचना विधि संकेत संपन्न स्तुषि का संस्कार तभी स्थिर हो पाता है अर्थात परंपरा के रूप में हो पाता है कि आरोपित पुष्टि संग्रहण न होकर स्वीकृत पुष्टि संग्रहण संकेत युक्त होना अति आवश्यक है। अभी तक जितने भी प्रकार से
जटिल जटिलतम प्रणालियों से जितने भी बीज गुणन कार्य वैज्ञानिक अनुसंधान शालाओं में संपन्न किया गया है, यह इस धरती पर प्रचलित परंपरा के रूप में स्थापित होना संभव नहीं हो पाई। इसमें व्यापारिक अनुशंसा और प्रवृत्ति ही इसका मूल कारण होना पाया जाता है। रिकमेंडेशन, अंग्रेजी शब्द रिकमेंडेशन, अनुशंसा। अनुसंधान और लोकव्यापीकरण का संबंध अविभाज्य है। आप समझा भी सकते हो ये जो पिछले पैरे में क्या है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट भी है ना, एनवायरनमेंट वाला। इसमें वही बता रहे कि उसी में पीजी किया है ये, मतलब पूरे में यही बता रहे कि अभी तक क्या हुआ कि जो अत्याधुनिक प्रणालियों से उन्होंने बीज गुणन का काम किया, उसमें वो जटिलतम संस्कार जो है वो आरोपित किया, लेकिन वो जैसे बात हुई कि वो आरोपित ही रहा, वो बीज परंपरा में नहीं बना। और फिर उसको आगे बता रहे कि ये जो उसका जो पुष्टि संग्रहण कार्य, मतलब उसमें बीज में क्या क्या होता है, तो पुष्टि में क्या पुष्टि क्या संग्रहण होगा, और दूसरा उसका संकेत, और फिर पौधा कैसे बढ़ेगा, पौधे की रचना, ये दो चीजें बीज में बनी रहती है। तो वो नैसर्गिक जो स्वीकृत रूप में जो बना हुआ है उसको बनाए रखना ये आवश्यक है। जो आरोपित आप करते हो तो वो नहीं रहता, वो फिर अगली पीढ़ी में उसका बना ही नहीं रहता। आरोपित मतलब ये जो वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक विधि से आरोपित हुआ, हाइब्रिड या जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ऐसे सब जो हुआ। हस्तक्षेप विधि भी बोल सकते हैं, हस्तक्षेप किया हमने नैसर्गिक विधि में, लेकिन वो हस्तक्षेप को स्वीकृत नहीं हुआ। बीज जो है वो अपने वापस स्वरूप में आ गए, जेनेटिक हाइब्रिड। तो प्राकृतिक पद्धति है ना हाइब्रिड? नहीं नहीं, हाइब्रिड में क्या प्रोसेस है? उसमें भी ऐसे ही करता है कि जो संस्कार है उसका वो आरोपित किया जाता है। जो सिलेक्शन होता है ना उसको सिलेक्शन बोलते हैं। जो पुराने जो पहले वाला आया था उसमें वो था कि वो सिलेक्ट करते थे कि उसमें से जो अपना अपने लिए जो ठीक गुण है उसी को हर पीढ़ी में उसको संग्रहण करना, वो पहले विधि रही है बीज के लिए। चयन क्रिया, इसमें ऐसा है कि सब जो टमाटर है, टमाटर में मतलब क्या है कि एक का साइज बनता है, दूसरा किसी एक है उसका कलर बनता है, तो वो साइज और कलर का कॉम्बिनेशन किया तो जो उससे जो भी मतलब फली हाँ, तो वो भी मतलब साइज और कलर वाला ऐसे करके ये लोग मतलब हाइब्रिड कर। और हाइब्रिड में उसका बीज बना नहीं रहता, वही है उसकी परंपरा नहीं बनती। मतलब उसके लिए आप एक फसल ले लोगे तो दूसरी फसल दूसरी बार आपको बीज फिर से खरीदना पड़ेगा, ऐसे ही किसानों की स्वायत्तता खत्म हुई। पहले तो किसानों का सपना बीज होता था ना। बैंकिंग सिस्टम ही नहीं है, मतलब जो बीज बैंक की अवधारणा ही खत्म हो गई, बीज रखने का ही वो नहीं। अब कोई परिवार रख सकता है ना, गांव में, बल्कि पता नहीं समाज में व्यवस्था थी भी कि नहीं मालूम नहीं, बीज बैंक का व्यवस्था था। गांव में बहुत सारी बीज आदि संग्रह की, अभी वो परिवार में होता था या नहीं? नहीं, गांव में भी होता, गांव में होता, मतलब गांव में इकट्ठा, परिवार में भी होता था, गांव में भी होता। वो जो बोले गांव में इकट्ठा करके सामूहिक रूप में होता था या परिवार करते थे? परिवार, तो परिवार करते थे सब। हां, परिवार करते, परिवार करते थे। कुछ कुछ जगहों में जैसे मतलब ऐसे जगहों पे भी बीज रखा जाता कि कुछ अगर अनहोनी हुई तो ये बीज के रूप में बना रहता था, जैसे मंदिरों में हो या ऐसे ऐसी जगह में बनाते रहते थे। मैंने जीवन जो अध्ययन किया उसमें मैंने देखा इसमें धार्मिक प्रोसेस से जुड़ा, जैसे काला कीड़े होते ना, इनको जो दाना डाला जाता है खाते नहीं है, उसमें ये निकल के आया, ये अंदर अंदर जमीन में कहीं जाके रखते हैं, जितना भी आप बीज डालो ये रखते ही है। तो कभी ऐसी परिस्थिति बने जैसे जिसने बोला 4-5 साल से बीज ना रहे या कोई पलायन करना पड़े, अब बीज कहाँ से लाना है, तो आप वो कीड़ों वाला खोदोगे ना, जितने वहाँ बीज आया है वो कहीं कहीं उनके स्टोरेज में मिलेगा, और नीचे का वातावरण ज्यादा संतुलित, उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है, ये निकल गया। लेकिन खाते नहीं, उसको पुण्य से क्यों जोड़ा?
जबकि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पुण्य में इसको जोड़ा गया जबकि कीड़ा खाता नहीं है, ये भी भजन में वेद में सब में कहते हैं लोग, तो उसका फिर लोग क्यों चक्कर आया, तो ये स्टोरेज में निकल गया है। लोगों ने इसकी कीड़ा मतलब चींटी बड़ी चींटी होती है काला मकोड़े को दाना, राजस्थान में एक ट्रेडिशन है बहुत पुण्य मानता है इसको, उसको मारते नहीं चींटी को। मैं तो एक जगह देखने गया था, वहाँ लाखों की करोड़ों की संख्या में चींटियाँ, एक पहाड़ थे रेत थी, करोड़ों की संख्या में चींटियाँ थी और लोग उसमें डालते ही रहते हैं उनके खाने के लिए। तो राजस्थान में क्यों पुण्य ज्यादा जुड़ा, जैसे 4-5 साल अकाल हो गया तो आपके टेम्परेचर में बाहर में अगर दाना है तो ऑटोमेटिक अंदर से वो सड़ जाएगा, सड़ जाएगा। अगर आपने उसको कीड़ा नगरा जो बोलते हैं कीड़े मारा ना, उनके जैसे फिर पूरे मकान में फैले हुए हो सकते हैं, तो पूरा गाँव वहाँ डाले, जब वो खाते नहीं वो अंदर कहीं कहीं ले जाके स्टोरेज करते हैं, तो ऐसा कहते हैं कभी ऐसी परिस्थिति पड़े तो फिर खोद के दाना निकाल के फिर बोके उसका साइकिल रिसाइकिल करते हैं। तो मुझे तब भी ठीक लगा, मैं कहा ये बात सही है, तो मैंने अभी आपसे शेयर किया, उसमें क्या निकलता मुझे लगता है ये तो नेचुरल विधि होगी, नेचुरल विधि होगी, लेकिन जो मानव व्यवस्था में बीज बैंक का अवधारणा जो है वो रहा तो हो गई, क्योंकि राजा लोग बीज बैंक बनाते हुए राजतंत्र, या अभी हम लोग प्रजातंत्र में स्टेट का भी अपना सीड बैंक होता है, लेकिन वो सीड बैंक के बारे में पता किया तो पता लगा वो केवल खरीदता है और सप्लाई करता है, मतलब प्रिजर्वेशन का काम नहीं है उनका, जैसे उन्होंने मोन्टेन्सो से या महीको से खरीद लिया या और भी जो सीड कंपनी है उनसे खरीद के स्टोर कर लिया और स्टोर करके किसानों को दे दिया, इसके लिए बीज बैंक है ना। तो जबकि बीज बैंक का कॉन्सेप्ट है कि जो प्रिजर्व करना है, सुलभ करवाना। बाबा जी कह रहे हैं कि ग्राम हर ग्राम के स्तर पे एक कोष होगा, तो कोष का मतलब केवल यही नहीं है कि उत्पादित वस्तुओं का कोष होगा, ये सब चीजों का भी कोष होगा, बीज विनिमय कोष, तो व्यवस्थात्मक रूप से इस पे भी विचार किया। लोगों ने पर्सनली किया है बीज बैंक का काम, अभी एक जो जिसको मिला ना पद्मश्री, पहले तो सभी लोगों ने किया है, अब तो वो मार्केट विधि में है ना, मार्केट विधि वो मार्केट से जोड़ दिया है, तो कुछ किसान लोग केवल बीज बनाने का ही काम करते हैं क्योंकि बीज का मार्केट होता है, मतलब जो चीज जो है 200 रुपए की होगी वो बीज बन के 2000 में हो जाएगी, जैसे मिर्ची का बीज खरीदो और आप मिर्ची खरीदो, मिर्ची सस्ती है, मिर्ची का बीज बहुत महंगा। बाबा बताते थे कि हर खेत में जब भी फसल बोई जाती है तो कुछ बालियां अन्य बालियों से डिफरेंट होती हैं, वो किसानों को समझ में आता है, अपनों को नहीं आएगा, जो लोग खेती करते हैं उनको समझ में आता है कि ये बालियां इनसे डिफरेंट है, वो बीज रहते हैं जैसे अभी क्या हो, इतने सारे मिक्स हो गया सब, वो सारे बीज मिक्स होते रहते हैं तो अभी हल्का सा ब्राउन कलर आ गया, अभी उसको वापस लाने का टेक्निक यही है कि उसको बोते रहो, उसमें से जो एकदम काला है उसको निकाल लो, उतना बीज बो तो 2-3 साल में आपके पास प्योर जो वैरायटी है वो हो सकती है, वो आ जाएगी। सही बात है, वो कहते कि वो प्रकृति में तुमको कुछ नहीं करना है, सब प्रकृति में है, तुमको समझना भर है, और वो खुद ही उसको हाई करता जाता है उसकी वैल्यूएशन को, खुशबू को, इसी का संरक्षण संवर्धन नाम है, तो व्यवस्था पूर्वक ही हो सकता है ना, व्यवस्था पूर्वक जो बीजों का जो संरक्षण संवर्धन है ना, वो भी अनिवार्य हिस्सा है इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का ही अनिवार्य हिस्सा। एक धान को घी में भिगो के बाबा फिर उसका रोपा लगवाते हैं, वही मैं बोल रहा था उसका, वो उन्होंने उनको भंवर सिंह जी को बोला था ना, भूसा में थे तो बोले गेहूं को आप वो करो और फिर उससे 50-100 बार उसको वो करोगे ना तब जाके उसमें वो जो प्रोटीन वाला पक्ष है वो आ जाएगा, तो वो बोलते थे साधन को पता है। हमारे सामने बात होती थी तो वो जो धान का था वो तो करवाया उन्होंने, तो मुझे घी में भिगाते थे धान को, फिर उसका रोपा बना के फिर रोपते थे,
वो बहुत खुशबूदार चावल होता है, वो हमें बाबा के घर में होता, वो खेत से ही बिक जाता था, उनके घर में होता है वो दाल चावल, वही खाते हैं हम लोग घर में हमारे कंटक में। बाबा ने इस पे थोड़ा काम तो किया ही था। एक प्रश्न है सचिन भाई, क्या क्या जेनेटिक और हाइब्रिड में क्या डिफरेंस है? मैं ये पूछ रहा था कि हाइब्रिड की जो प्रोसेस है ना, उसमें दो अलग अलग क्या बोलते हैं, जो बीज अपने से नहीं होगा ना पॉलिनेशन, उसको एक साथ करके उसको हाइब्रिड करते हैं। और जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है उसमें जो डीएनए है ना उसमें हस्तक्षेप करते हैं। तो दोनों एक ही चीज है? नहीं, डीएनए में क्या बोलते हैं एक्सटर्नल हस्तक्षेप है, और ये जो है वो नेचुरली मतलब वो हम हस्तक्षेप विधि से नहीं कर पाते। जैसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जीन जो है इससे ये पौधा का वो साइज बड़ा हो जाएगा, तो उसको फिर वो जीन को जो है ट्रांसफर करते हैं, उसकी प्रोसेस ज़्यादा जटिल है। और वो हमेशा इसमें दिक्कत वही है कि वो स्टेबलाइज नहीं हो पाता वो जीन जो है, क्योंकि वो आरोपित है। और उस फिर उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड में ही ये लोग जो है वो टर्मिनेशन वाला डालते हैं कि आपका बीज जो है आगे बीज के रूप में यूज ही नहीं होता, कंपनी के पास ही लेना ही होगा आपको। मतलब आपका आपका बीज आगे आप अगर लगाओगे उससे पौधा भी नहीं आएगा ऐसा। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है सीडलेस। और वो भी यदि बाबा बोलते थे ये सब सभी देशों में चलता है। जैसे ये जो कंप्यूटर के जो ये चीजें होती हैं, जैसे अभी नया मोबाइल आया है तो उन्होंने चार्जर का जो पिन है चौड़ा कर दिया है ना, कोई कारण नहीं है क्योंकि वो जो पुराने चार्जर नहीं बिक रहे हैं तो चार्जर ऐसी कंप्यूटर में सीपीयू के जो छेद होते हैं वो छेद बदल देते हैं ताकि आप पुराना सीपीयू यूज़ नहीं कर पाए, तो आप जब भी जाएं तो नया सीपीयू लगाएं ऐसा, तो वो हमेशा ये चेंज करते रहते हैं। अगर आप किसी पुराने कंप्यूटर का निकाल के लगा लेंगे आप नए में, तो इसलिए वो जब नया बनाते हैं तो उसके सब चीज़ें चेंज कर देते हैं, तो ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। ये टर्मिनेटर एक सीड है, और इसके कारण से कितना सारा वेस्ट होता है, क्योंकि अब वो जो कंप्यूटर है वो डंप होते हैं, उनके पहाड़ बन गए है ना। अभी आप कई कंट्रीज में जो वेस्ट कंप्यूटर्स हैं उनके पहाड़ बन गए। पहले तो कुछ डेवलपिंग कंट्रीज खरीद लेते थे, अपने इंडिया में भी पुराने कंप्यूटर हमारे एक मित्र खरीद के लाते थे चाइना से ताइवान से, तो अपना एक जहाज भर के ले आए, फिर वो बेचते रहते थे पूरे कंप्यूटर, जैसे तौल के हिसाब से मिल जाते थे। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कचरा इलेक्ट्रॉनिक का उसमें उसको बेच के उनका अपना रोजगार चलता। अब कोई खरीदता भी नहीं, अभी वो कचरा ही हो गया, क्योंकि कंपनियों ने इतना तेजी से परिवर्तन किया ना इसलिए वो यूजलेस हो गया। तो ये भी मानसिकता ही का बीमारी है, मानसिकता लाभ कमाने की जो मानसिकता है उसमें उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि इससे मिनरल रिसोर्सेज पे क्या दबाव पड़ेगा, इससे जो वेस्ट पैदा होगा उसका क्या होगा, आदमी के श्रम का होगा, ये सब से कोई मतलब ही नहीं, वो पैसा बनना चाहिए बस। क्योंकि मानसिकता में नहीं है, मानसिकता में दूसरी बात है कि वो जो उनको अपराध के दुष्प्रभाव का भी ज्ञान नहीं है, मतलब ये थोड़ा 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 करके ये किस तरीके से भयानक रूप ले लेता है इसका कल्पना नहीं है। कल्पना भी क्योंकि आदमी जानबूझ के गलती नहीं करना चाहता है, तो कई बार जो शिक्षा है उनको ये समझा भी नहीं पाती है कि तुम्हारे ये छोटा छोटा करने से इतना बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा कि मानव जाति ख़त्म हो जाएगी, ये संकट पैदा हो जाए जिस जगह पे हम लोग आज पहुंच गए है ना। ये कोरोना भी तो ऐसे ही हुआ ना विकसित हस्तक्षेप भी दी, अब इसको कोई पचा नहीं पा रहा, समस्या तो केवल यही ना इसको पचा नहीं पा रहा, वो ये पचाने का मैकेनिज्म खोज नहीं पा रहे।
तब तक पता लगा 2-4 लाख आदमी मर जाएगा जब तक कि कोई चीज पहचानने में। वो इटली में जो डेथ रेट बता रहे हैं कोरोना का वो 66% है, 66% है। अभी 12,000 के आसपास जो इन्फेक्टेड लोग हैं, अगर ये रेशियो बना रहा तो आने वाले कुछ ही समय में जो है ना, आज 2200 हो गया है इटली में, 2200 लोग मर गए, तो मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते में ये संख्या 6000 को पार कर जाएगी इटली में। 66% बहुत होता है। अभी हमारे यहाँ तो भी रेशियो कम है, 120 हुए, 2 ही मरे, तो अभी 2% के आसपास तो है, 1.5-2%, लेकिन बाकी कंट्रीज में ये परसेंटेज ज़्यादा है, फ्रांस में और जर्मनी में, ईरान में, और चाइना का तो अब आंकड़ा ही नहीं आ रहा है, चाइना ने शायद सेंसरशिप लगा दी, उसका तो सही आंकड़ा ही नहीं आएगा बाहर तो, फिर चाइना का कहीं नहीं आ रहा, बस वो 3000 पे रुक गए, फिर 3000 से एक भी नहीं बढ़ रहा उनका, अंदर नहीं रुका हुआ लेकिन मैसेज रुक गया, मैसेज रुक वैसे भी ज्यादा लोग हैं वहाँ पे है? बहुत सारे लोग, वो पहले भी न्यूज के मामले में सेंसरशिप था, पैनिक नहीं फैले इसके भी, और दूसरा बहुत सारी न्यूज नहीं देते, चाइनीज न्यूज आती नहीं थी, जैसे रशियन रशिया में भी था, रशिया की न्यूज मिलती नहीं थी इंटरनेशनल मीडिया में, इवन चाइना में कहाँ इंटरनेशनल न्यूज नहीं जाती थी, हाँ अभी भी नहीं जाती है, अभी कुछ कुछ हिस्से में अलाउ किया उन्होंने सोशल, लेकिन काफी मुझे लग रहा है कि जब पूरी दुनिया में बिल्कुल जीरो रेट था तब वहाँ पे 3000 मर गए थे, तभी तो ज़्यादा हो गया, अगर मान लो 20-30% भी होगा तो मेरे ख्याल से ये संख्या 50-60 हज़ार तो क्रॉस कर गई होगी, सही बात है। और ऐसा अनुमान है, किसी एक रिपोर्ट में हमने पढ़ा था कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मर सकते, ये हस्तक्षेप का ही परिणाम है। कोई आज एक खबर है ना, वो कोई अफ्रीकन कंट्रीज है, वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं वो चमगादड़ जो मल करते हैं ना उसको इकट्ठा करते हैं, उससे वो खेती में उपयोग करते हैं, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो मीडिया के किसी आदमी ने कहा कि चमगादड़ से फैला हुआ है, दोनों का हमारे यहाँ तो हजारों साल से नहीं फैला है, तो वो चमगादड़ से फैलता ही ठीक नहीं है, वो तो जो एक्सपेरिमेंट किया चमगादड़ों पे और कुछ उसका मांस मांस खाया उस सब में कुछ कुछ उसमें से डेवलप हुआ, मतलब जीव जंतुओं में नैसर्गिक रूप से ऐसा नहीं आ सकता, जितना भी ये संक्रमण हुआ है ज़्यादातर जो है वो हस्तक्षेप से ही हुआ है, जैसे स्वाइन फ्लू जो हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग मरे थे उसके कारण से हुआ था स्वाइन फ्लू, तो लगभग 1.5 करोड़ लोग मरे थे युद्ध में सेकेंड वर्ल्ड वार में, 1.22 करोड़ के आसपास, और लगभग 10 करोड़ लोग मरे थे फ्लू से, 10 करोड़, तो टोटल करीब 12 करोड़ के आसपास मरे सेकेंड वर्ल्ड वार, फ्लू में ज्यादा मर गए बोलते वर्ल्ड वार में नहीं, तो ये क्या मतलब थर्ड वर्ल्ड भी है रूप लेना, 20-25 करोड़ तो साथ होने चाहिए, इसे हम इसी चाइना ने छेड़ा है क्या पता, फिर भी आदमी सुधरता नहीं आप देखिए, सुधरना चाहता है लेकिन आधार पता नहीं है, प्रयास तो कर ही रहे हैं, प्रयास कर ही रहे, आधार पता नहीं सही क्या है गलत क्या है, जो उड़ीसा वाला जो व्यक्ति है ना वो इटली से आया था, उड़ीसा का जो व्यक्ति था, और दिल्ली में आके 3 होटलों में रुका, करीब 130 लोगों के संपर्क में आया है, फिर राजधानी एक्सप्रेस में बैठ के वो जो है उड़ीसा गया है, कितने लोगों को इन्फेक्शन फैला होगा आप कल्पना नहीं कर, आज की खबर है ना,
इंडिया में उसी एक आदमी से ही खेला है, इंडिया में उसी एक आदमी से मैच खेला है। नहीं नहीं अभी जो कल एक उड़ीसा का एक व्यक्ति जो है कल कल पता लगा है उड़ीसा में, है ना, उसके उसको पता लगा कि वो 10 दिन पहले इटली से इंडिया आया था और एयरपोर्ट में उसका चेक भी हो गया और उसको कोरोना नहीं मतलब जाने दिया उसको एयरपोर्ट से, इसका मतलब एयरपोर्ट में भी भगवान जाने क्या कर रहे हैं लोग। क्या चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं सब लेता है। और इसके बाद उसको परेशानी हो रही थी तो उसने 3 जगह बदली दिल्ली में, क्योंकि कोरोना था उसको, तो उसके कारण से उसको लगा ये होटल ठीक नहीं है तो मैं दूसरी होटल में जाता, तीसरी होटल में जाता लगा होटल खराब है। अभी एडमिट है, फिर वो दिल्ली रहा 3 दिन 4 दिन, फिर राजधानी से टिकट, उस इतने प्रोसेस में वो 129 लोगों से मिला है जितना उसने मेमोरी के आधार पे रिपोर्ट दी है। वो 130 कितने लोगों को मिले होंगे अब पता नहीं, वो 130 में से कितने इन्फेक्टेड हुए होंगे। अच्छा जिस होटल में जिस कमरे में रुका होगा वहाँ पे कोई दूसरा रुक गया होगा तो उसको भी हो गया। हाँ। तो ये कह रहे हैं कि यदि ट्रेन का उसने हैंडल पकड़ा हुआ है तो वो हैंडल कोई दूसरा पकड़ेगा तो उसको भी हो जाएगा। जैसे ये कोरोना वाला अपना मोबाइल है, जो है इसके बाद ऐसा छोड़ दिया उसने और आपने इस मोबाइल को उठा लिया तो आपको हो जाएगा, और आपने उनको छू दिया तो उनको हो जाएगा। इतना तेजी से होता है, हस्तक्षेप का दुष्परिणाम। घर के बाहर जल रहा है, घर घर में बैठ के ही अध्ययन करना वो अच्छा हो। अभी तो यहाँ गुजरात में तो एक भी रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ हो गया है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र में मैक्सिमम जो महाराष्ट्र में, तो उन्होंने डिसीजन ले लिया ना, महाराष्ट्र में डिसीजन ले लिया है कि नौकरी में केवल 50% लोग ही आएंगे, बस पूरी गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी 50% घर में रहेंगे, 50% जॉब में रहेंगे, ताकि वो भीड़ को कंट्रोल किया है। बहुत ही डेंजरस है, फर्स्ट डेथ हो गई वहाँ पे। गुजरात में भी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए, अभी विदेश से स्कूल 3 डेथ हो गए, 3 डेथ हो गई, तीसरी वाली मुंबई में, ईरान से लाए हमारे जसमेर, दुबई से आए के सब बता रहे हैं, दुबई वाला 200 ऐसे कुछ आदमी है, और विदेशों से जब आ रहे हैं ना उनको ठहरा रहे हैं गर्म प्रदेश में, तो जैसलमेर में ठहराए हुए 234 ऐसे कुछ है, ईरान इराक में जो आए फ्लाइट, तो जैसलमेर में ठहरी हुई है पुनः वहीं रुकेंगे। मोदी जी को जैसलमेर मिला, पहले परमाणु बंद में जैसलमेर मिला, कोरोना है तो जैसलमेर मिला, भैया आपका दिस जियो के पर पड़ता है। गर्मी में नहीं रहता है, टेम्परेचर ज्यादा है जैसलमेर में, आपकी टिकट कब हम लोग आ जाते हैं तो आने का चांसेस है, उधर तो है गर्मी ज्यादा, अगला अगला शिविर वहीं कर ले, अगला अध्ययन शिविर परिवार को भी लेके जाएंगे, लेकिन ले जाना जाना ही तो खतरनाक है। नहीं लेकिन जाने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, पर उन 200 ईरान से जो है उन्होंने जाकर एक आदमी के भी पकड़ में आ गया ना तो जैसलमेर लोग है तो भाग जाए, जैसलमेर में फैल के आए वो, तो बहुत ज्यादा बहुत फैल के अभी बहुत ज्यादा लोग। चलिए आगे अनुसंधान और लोकव्यापीकरण का संबंध अविभाज्य है। इस सहज धारा में विरोध अवरोध और प्रतिरोधता ही विशेषज्ञता और बौद्धिक संपदा संरक्षण का गवाही है। इसके मूल तत्व में जीवन उसकी प्रवृत्ति उसी तृप्ति संबंध में प्रत्येक व्यक्ति अपने में मूल्यांकित करना एक आवश्यकता है।
कम से कम विशेषज्ञता से आभूषित होने वाले, संपन्न होने वाले, घोषणा करने वाले व्यक्ति को यह मूल्यांकन अनिवार्य है। इसके अभाव में विशेषज्ञता व्यापार की वेदी में कत्लेआम होना ही है, क्योंकि व्यापार कम देकर ज्यादा लेने के पक्ष में है। यही लाभ प्रवृत्ति और संग्रह का द्योतक है। जीवन शक्तियों को किसी भी घर में, घाट में, तिजोरी में, बैंक में, अधिकोषों में, राजकोषों में, विश्वकोषों में जमा नहीं किया जा सकता। इसी तथ्य के आधार पर बौद्धिक आरक्षण की निरर्थकता समझ में आती है, क्योंकि जीवन शक्ति और बल सतत ही अक्षय है। यह नित्य स्थिति और गति संपन्न है। स्थिति में बल, गति में शक्ति, अथवा गति को शक्ति कहा जाता है। स्थिति गति का अविभाज्यता जीवन में चरितार्थ होना पाया जाता है। ऐसी शक्तियों को, बलों को जीवन ही जीवन से जीवन के लिए जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना संभव है। यह हर मानव में निहित वर्तमान क्रियाकलाप है। मानव में मानवीयता ही मौलिकता, श्रेष्ठ जिंदगी अथवा बेहतरीन जिंदगी का सूत्र है। मानव में मानवीयता पूर्ण परंपरा ही सर्वतोमुखी समाधान और व्यवस्था के रूप में होता है। इसी क्रम में आवर्तनशील अर्थव्यवस्था एक आयाम है, जो स्वयं समाधान और उसकी निरंतरता का स्वरूप है। आवर्तनशील व्यवस्था में मानव सहज अपेक्षा रूपी अथवा समाधान पूर्ण अपेक्षा सहित समृद्धि सभी परिवार के लिए सुलभ हो जाता है। इसकी निरंतरता के लिए नैसर्गिकता के संतुलन को बनाए रखना अत्यावश्यक विधि बन जाती है। मानव अपने मौलिकता के साथ ही, अर्थात मानवीयता के साथ ही व्यवस्था को पहचानना, निर्वाह करना सहज हो जाता है। इसका कारण स्वयं व्यवस्था के रूप में जीना एक आवश्यकता बनती है। इसे सफल बनाने के लिए व्यवस्था के रूप में जीने देना अनिवार्यता होना पाया जाता है। इसी क्रम में मानव जीने देने और जीने का कार्य प्रणाली सफल होता है। यही विधि सर्वसुख प्रणाली को प्रमाणित करता है। सर्वसुख मानव मात्र से है। सर्व मानव सुखी रहना चाहता ही है। इसे सफल बनाना ही, चरितार्थ रूप देना ही सर्व सुखवाद है। यही सर्वतोमुखी समाधान, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था का ताना बाना है। इसके मूल में प्रत्येक मानव में जागृति ही प्रधान सूत्र है। जागृति सहज सूत्र स्वयं में जीवन ज्ञान, सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान सहज स्वरूप है। आगे पढ़ें। पूरकता स्वयं उद्देश्य पूर्ण, अर्थात जागृति सहज विधि से सह अस्तित्व को प्रकाशित करना ही है। यह प्रत्येक प्राण कोशाओं से रचित रचनाओं में अथवा अणुरचित रचनाओं में दृष्टव्य है। इसका प्रमाण यही है कि हर अणु में अनेक परमाणु और हरेक रचना में अनेकानेक अणुओं का होना और इसका निरंतर विद्यमानता का होना। इसी विधि से इस धरती में निहित संपूर्ण वस्तुओं को देखा जाना स्पष्ट है। देखने वाली इकाई मानव ही होना स्पष्ट है। भ्रमित मानव में देखने का गुण प्रिय हित लाभ, जागृत मानव में न्याय, धर्म और सत्य पूर्ण विधाओं के रूप में कार्यरत होना अध्ययन गम्य है। प्रिय हित लाभात्मक दृष्टिया क्रम से इंद्रिय सापेक्ष, शरीर अर्थात स्वास्थ्य सापेक्ष, वस्तु अर्थात संग्रह सापेक्ष होना सर्वविदित है। न्याय मूल्य मूलक व्यवहार प्रमाण, धर्म सार्वभौम व्यवस्था प्रमाण और सत्य जीवन ज्ञान सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान के रूप में आवर्तनशील है।
प्रमाण सदा ही पूर्णता और उसकी निरंतरता, उसके फलन रूप में तृप्ति और उसकी निरंतरता होना पाया जाता है। तृप्ति के स्रोत में न्याय धर्म सत्य को और अतृप्ति के स्रोत में प्रिय हित लाभ को देखा जा सकता है अथवा मिलता है। तृप्ति अतृप्ति का कार्य रूप मानव में ही अध्ययन गम्य है। इसमें मुख्य बिंदु हर व्यक्ति में तृप्ति का कार्य स्रोत होना ही जागृति है। ऐसा स्रोत जानने मानने के रूप में देखा गया, यह हर व्यक्ति में निहित है। मूलतः जीवन सहज कार्य है। शरीर के द्वारा मानव परंपरा में यह सत्यापित हो पाता है। यह मुख्य बिंदु पर मानव का जागृति ही सार्वभौमता का आधार है। सार्वभौमता मानव के अवगाहन, अवगाहन का तात्पर्य सर्वतोमुखी विधाओं में प्रमाणित करने की अर्हता से है। यद्यपि अवगाहन का परिभाषा आवश्यकता अनिवार्यता के रूप में ग्रहण किया हुआ को ध्वनित करता है, ऐसा आवश्यकता अनिवार्यता पूर्वक ग्रहण किया हुआ स्वाभाविक रूप में अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन योग्य होते ही है, क्योंकि जो जिसके पास रहता है वह उसका उसको बांटता है। मानव में होने वाले बंटन कार्य का तात्पर्य अभिव्यक्ति संप्रेषणा और प्रकाशन ही है। इन्हीं तीनों प्रक्रियाओं में तन मन अर्थात जीवन शक्तियां और धन का सहज प्रभाव देखने को मिलता है। इस विधि से यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव अपने सार्वभौमता को स्थापित करने का अधिकार स्वत्व स्वतंत्रता न्याय धर्म सत्य पूर्ण विधियों से होना स्पष्ट हुआ। यह अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन और सह अस्तित्व विधि से ही प्रमाणित होना पाया जाता है। यही समग्रतावादी विश्व दृष्टिकोण और समग्र व्यवस्थावादी कार्य प्रणाली को जानने मानने पहचानने निर्वाह करने का सहज स्वरूप है। यही जागृति का द्योतक है। ऐसी जागृत मानव परंपरा में ही स्थापित जीवित रहने की आवश्यकता और इसकी नित्य संभावना समीचीन रहता ही है, क्योंकि मानव अस्तित्व में होना सहज है। अस्तित्व नित्य वर्तमान होना सहज है। ठीक है, ये तो सब समझ में आने वाला है। मानव में जागृति की प्यास आवश्यकता प्रकारांतर से बनी ही है। यह प्रकारांतर से हर मानव में निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण से इंगित होता है। शिशु काल से ही न्याय की अपेक्षा सही कार्य व्यवहार करने की इच्छा सत्य बोलने की प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। परंपरा का ही दमखम है अथवा गरिमा है कि इन आशाओं को सार्थक बना देना। अभी तक सापेक्षता विधियों से चलकर न तो शैशवकालीन आशयों पर ध्यान ही दे पाए। अभी तक सापेक्षता विधियों से चलकर न तो शैशवकालीन आशयों पर ध्यान ही दे पाया। इन आशयों को देखने के विपरीत अबोध और अज्ञानी के आधारों पर सापेक्षवादी निर्णयों अथवा रहस्यमय आस्थाओं को लादने वाली कार्य प्रणाली को अपनाया। फलस्वरूप जागृति की आवश्यकता बलवती अवश्य हुई। यही इसका उपकार माना जा सकता है। प्रमाण के रूप में कोई उपलब्धियां न होकर रिक्तता अथवा कुंठाग्रसित हो गया। मानव कुल में द्रोह विद्रोह शोषण और युद्ध के रूप में पनपता हुआ इस कुंठा को देखा गया। ऐसी कुंठाग्रसित परंपरा के चलते इस धरती का शक्ल ही समृद्धि के स्थान पर वन खनिज की रिक्तता के रूप में देखा गया। यह केवल सापेक्षता विधि को अपनाने का फल ही है। यह भी मानव कुल को बोध हो गया होगा
कि सापेक्षता विधि से कोई शुभ होने वाला नहीं है। सापेक्षता विधि से बड़े छोटे ज्यादा कम की दूरियां बढ़ते ही जाना, यह मानव कुल के लिए स्वीकार्य नहीं है। इसीलिए संतुष्टि बिंदु की आवश्यकता है। इसका संतुष्टि बिंदु सर्व मानव में एक ही स्वरूप में विद्यमान है, यह है जानना मानना पहचानना निर्वाह करना। यह ज्ञान विज्ञान विवेक पूर्ण विधि से अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन सूत्र बन जाते हैं, जिससे मानव सहज रूप में किए जाने वाले कायिक वाचिक मानसिक कृतकारिक अनुमोदित और जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी समानता स्पष्ट हो जाती है। जीवन सोता नहीं है, अपितु सतत कार्यरत रहता ही है। जीवन सहज अक्षय कार्य में से आंशिक कार्य ही शरीर के द्वारा प्रमाणित हो पाता है। जीवन जागृत होने के उपरांत भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं में शरीर को जीवंत बनाए रखते हुए शरीर के दृष्टा पद में कार्यरत रहता ही है। इसमें जागृति के अनंतर शरीर को जीवन समझने वाला भ्रम दूर होता है। शरीर व्यवहार और अस्तित्व में दृष्टा पद स्वयं अनुभव सहज वैभव है। दृष्टा पद ही पूर्णता का द्योतक, यही परंपरा से प्रमाण है। पूर्णता के अनंतर उसकी निरंतरता होना ही प्रमाण महिमा है। इस विधि से मानव परंपरा जागृत होने के उपरांत ही मानव कुल में भाग लेने वाले हर जीवन का अपेक्षा जो शैशव काल में ही सर्वेक्षित हो पाता है, उसका भरपाई नित्य वैभव के रूप में संपन्न होना पाया जाता है। इससे हम यह निष्कर्ष को पाते हैं कि शिशुकालीन अपेक्षाएं शोध कार्य प्रवृत्ति कार्य प्रणाली के शोध के लिए प्रेरक होता है। दूसरा, मानव कुल में व्याप्त कुंठा यथा द्रोह विद्रोह शोषण और युद्ध साथ ही द्वेष से ग्रसित परिवार समुदाय अपने त्रासदी जागृति महिमावश भ्रम मुक्ति और शोध प्रवृत्ति की आवश्यकता को इंगित करता है। तीसरा, यह धरती का शक्ल सूरत ही बदल जाना, पर्यावरण में प्रदूषण अपने पराकाष्ठा तक पहुंचना, पुनः प्रचलित सूझबूझ के स्थान पर अर्थात जिससे यह घटनाएं हुई विकल्पात्मक सूझबूझ के शोध की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। अभी तक आर्थिक कार्यक्रमों को सभी समुदाय परंपराएं झेलते हुए सदियों युगों को बिताया है। प्रधानतः आर्थिक कार्यक्रम के आधार पर ही प्रदूषण और द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध स्थापित होते हुए आया है। इसके साथ अर्थात आर्थिक मजबूती और कमजोरी ज़्यादा कम के आधार पर नस्ल रंग संप्रदायों का भी पुट लगाकर जिसको संस्कृति का नाम देते हुए परंपराएं आर्थिक रूप में ऊंचाई को पाने की होड़ में ही चलता आया। इसी में वर्ग संघर्ष की अनिवार्यता को स्वीकारना हुआ। फलस्वरूप विभिन्न समुदायों ने अपने अपने ढंग से विशेषकर युद्ध के आधार पर ही राज्य का नाम देने में बाध्य हुए। इस धरती में अधिकांश संख्या में मानव आर्थिक मजबूतियों पर संस्कृति को पहचानने की कोशिश की, इसी बीच एक सभ्यता को भी पहचान लिया। संस्कृतियां जो आर्थिक आधार पर बनती आई खाना कपड़ा नाचे गाना विवाह आदि घटनाओं के तरीके के रूप में उपभोक्तावादी मानी गई। सभ्यता को विलासिता के आधार पर पहचाना गया। विद्या भी लाशा से बनी हुई सौंपी गई कार्य विधाओं को अधिकारों को निर्वाह करना,
इन्हीं के तर्ज पर चलने वाले आदमी को भी सभ्य व्यक्ति माना गया। फलस्वरूप ऐसी सभ्यता संस्कृति पर आधारित साहित्य कला पूर्णतया भय और प्रलोभन पर आधारित रहा और भय को प्रदर्शित करने के लिए आपराधिक वर्णन प्रधान रहा। प्रलोभन के लिए श्रृंगार और कामुकता का वर्णन रहा। ऐसी समुदाय परंपरा और देशों में जो ईश्वरवाद उदय हुआ वह भी युद्ध विधा को स्वीकारा, आस्था केंद्रों को निर्मित किया। अंततोगत्वा युद्ध प्रभावी युद्धगामी मानसिकता से बनी संस्कृतियां यथावत बनी रही। इसी बीच कुछ देशों में अध्यात्मवाद का बोलबाला हुआ, अध्यात्मवादी विधा में भी आस्थाएं स्थापित हुई। व्यक्तिगत उपासना कल्याण स्वांत है सुख और स्वर्ग के आधार पर साधना क्रियाकलाप के उपदेशों की भरमार होती रही। आस्थाओं में भीगी हुई मानसिकताएं अधिकांश रूप में युद्ध को नकारता रहा, द्रोह विद्रोह शोषण को आपराधिक कार्य मानता रहा। ऐसे मानसिकता के लोग सदा ही बर्बरता से अर्थात आक्रमण से आक्रमणकारी रुख से दूर रहने की कोशिश करते रहे, फिर भी युद्ध घटना को नकार नहीं पाया, उसे एक भावी मानकर ही चलना पड़ा। इसमें संस्कृतियां विशेषकर आस्था उपासना और अभ्यास परक रही हैं। इनकी सभ्यताएं आस्था और सेवा के आधार पर जन्मते आया, यह भी शने शने वस्तु और वस्तुओं के विपुलता की ओर दिशा गामी रही। आस्थावाद भी अथवा अध्यात्मवाद भी समुदाय श्रेष्ठता अंतर विरोध जैसी जकड़न में जकड़ते ही आया। ये साहित्य कला को भक्ति और विरक्ति प्रवृत्ति के आधार पर सर्जन किए। इसी भक्ति और विरक्ति में अभिभूत होने के लिए भक्ति रसोत्पादी मुद्रा भंगिमा भाषा भाव अंगहार क्रमों से संप्रेषणा विधाओं को परिकल्पित प्रदर्शित किए। यही क्रम से श्रृंगार हास्यवादी रसों में चलकर वीर और विभत्स विधाओं में पहुंच पाए, जो भौतिकवादी विधा से आद्यंत कला साहित्य रहा। इस प्रकार अध्यात्मवादी चरित्र जो भक्ति और विरक्ति का छापा लेकर चली, वह अपने कला विधा में पहुंचकर यथास्थिति और व्यवहारिकता प्रासंगिकता अर्थात यथास्थिति में जो व्यवहार गुजरी उसकी प्रासंगिकता को स्वीकारते हुए परिवर्तनों को स्वीकार लिए। ऐसे परिवर्तन सदा सदा भय और प्रलोभन की ओर झुकता ही गया। भक्ति प्रदर्शन में भी भय और प्रलोभन का पुट रहा है। इस प्रकार मानव सभ्यता और संस्कृति अंततोगत्वा भय प्रलोभन में डूबता ही रहा। विधि व्यवस्थाएं भय और प्रलोभन से ही स्थापित रहा, क्योंकि सभी समुदायों सभी देश सभी राज्यों में भय और प्रलोभन का ही बोलबाला रहा। प्रौद्योगिकी विधा से गुजरता हुआ आज का मानव भय प्रलोभन के स्थान पर न्याय की आवश्यकता पर ध्यान देने योग्य हुआ, क्योंकि प्रौद्योगिकी कार्यवाही क्रम में समृद्ध संतुलित धरती का शक्ल बिगड़ गई। युद्ध संबंधी आंतरिक आतंक परस्पर समुदायों में पहले से ही रहा, उसी के साथ साथ धरती और धरती के वातावरण संबंधी असंतुलन का भय और धीरे धीरे गहराता जा रहा है। इसी के साथ साथ जनसंख्या बहुलता मानव चरित्र और प्रौद्योगिकी के योगफल में अनेकानेक रोग और विपदाओं का सामना करता हुआ वर्तमान में मानव कुछ प्रतिशत विद्वान मनीषी विकल्प के पक्षधर हैं या आवश्यकता को अनुभव करते हैं। इसी बेला में विकल्प की संभावना समीचीन हो गया है। ये तो सर्वविदित है, कोई भी अनुसंधान अत्यंत विधि पूर्वक प्रस्तुत होने पर शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से लोकव्यापीकरण की आशा की जाती है। अध्ययनकारी विधि को इस प्रकार सोचा गया है कि तर्कसंगत प्रणाली सत्य समझ में आने की विधि संगीतीकरण की अपेक्षा अभी तक की अध्यवसायिक मन पटल में आ चुकी है। यह भी मान्यता है सत्य है, सत्य क्या है इसका उत्तर अभी तक शोध के गर्भ में ही निहित है। अतः विकल्प के रूप में अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन प्रस्ताव के रूप में मानव सम्मुख प्रस्तुत हुआ है।
अर्थशास्त्र विधा में आवर्तनशीलता स्वयं में श्रम नियोजन और श्रम विनिमय प्रणाली पद्धति नीति है। श्रम नियोजन और श्रम विनिमय साधारणतया समझ में आने वाला तथ्य यह है कि श्रम का अपना स्वरूप जीवन शक्ति रूपी मन और तन का संयुक्त रूप में स्थिति में पाई जाती है। यह स्वाभाविक रूप में जीवन शक्ति रूपी तकनीकी अर्थात निपुणता कुशलता पांडित्य का नियोजन कार्य प्रणाली है। संपूर्ण निपुणता कुशलता आशा विचार इच्छा रूपी जीवन क्रियाकलापों का वैभव अथवा महिमा के रूप में विद्यमान रहना पाया जाता है। चित्त में से आवश्यकता के आधार पर चित्रण कार्यकलाप सहित विश्लेषण सम्मत विधि से कुशलता निपुणता एवं चित्त में से आवश्यकता के आधार पर चित्रण कार्यकलाप सहित विश्लेषण सम्मत विधि से कुशलता निपुणताएं मन में विद्यमान रहते हैं। प्रत्येक क्रिया में उपयोगिता को स्थापित करने के लिए और सुंदरता को स्थापित करने के लिए मूलतः चित्रण हर मानव के चित्त में उभर आना सहज है। यह तो पहले से ही हमें विदित है। जागृत जीवन सहज पांचों बल और पांचों शक्तियां अक्षय रूप में कार्यरत रहते हैं। इनके नित्य कार्यरत रहने में अस्तित्व में कोई बाधक तत्व नहीं है, अपितु अस्तित्व में हर वस्तु जीवन शक्तियों के अक्षय कार्यकलाप के लिए अनुकूल रूप में ही विद्यमान रहते हैं। जैसे जागृत जीवन सहज कल्पना का अवरोधक तत्व कुछ भी नहीं है और अनुकूल तत्व सब जगह में है। अनुकूलता इस प्रकार से प्रमाणित होता है कि सभी शुभ कल्पनाएं जागृति पूर्वक सफल होना पाया जाता है, अजागृति पर्यंत प्रमाणित होना संभव नहीं होता। जैसे समृद्धि की कल्पना हर व्यक्ति में हर परिवार में हर समुदाय में निहित रहना पाया जाता है, यह आवश्यकता से अधिक उत्पादन कार्य से ही सफल होने की सत्यता में जागृत होने के उपरांत ही समृद्धि सफल होता है। किसी मुद्दे में जागृति का दूसरा बिंदु हर मानव में समृद्धि का इच्छुक है, अनुभव करना चाहता है, जबकि समृद्धि जागृत मानव पर परिवार में ही हो पाता है। एक परिवार समृद्ध होने के लिए एक से अधिक परिवार का समृद्ध रहना अनिवार्य है। इस क्रम में अकेले में समृद्ध होने की कल्पना और संग्रह विधि से अथवा संग्रह कार्यवाही से समृद्धि कल्पना दोनों भ्रम सिद्ध हुआ। हर व्यक्ति में निपुणता कुशलता पांडित्य सहज धारक वाहकता संभव और समीचीन है, यह सर्ववांछा भी है। इनमें से निपुणता कुशलता पांडित्य का प्रयोग और प्रमाण अकेले व्यक्ति या परिवार में नहीं होती, क्योंकि निपुणता कुशलता पांडित्य संपन्नता और उसका क्रियाकलाप अकेले में नहीं हो पाती और प्रमाणित नहीं होता। इसके विपरीत अकेले में प्रमाणित होने की सभी परिकल्पनाएं भ्रम होना स्पष्ट है। इस प्रकार निपुणता कुशलता पांडित्य का उपार्जन एक से अधिक मानव समुदाय अथवा संस्थान में ही संभव होना पाया जाता है। जैसे कुछ भी स्वीकार योग्य संस्कारों को संस्कार ग्राही संस्कार प्रदायी घटना के रूप में शिक्षा शिक्षण कार्य में ग्राही प्रदायी व्यक्तियों को अलग अलग देखा जाता है। इस क्रम में निपुणता कुशलता पांडित्य को प्रमाणित करने के लिए व्यवस्था प्रणाली जिसका स्वरूप स्वराज व्यवस्था प्रणाली है, यह प्रमाणित होने के लिए परिवार समूह का होना आवश्यक है। स्वराज का परिभाषा ही है स्वयं का वैभव को प्रमाणित करने का संपूर्ण दिशा कोण आयाम काल परिप्रेक्ष्य। वैभव का स्वरूप न्याय सुलभता उत्पादन सुलभता विनिमय सुलभता ही है। ऐसे वैभव का नित्य स्रोत मानव कुल में शिक्षा संस्कार स्वास्थ्य संयम कार्य प्रणाली है। अस्तु स्वराज्य के अंगभूत विधि से ही आवर्तनशील अर्थशास्त्र का अध्ययन मानवीयतापूर्ण होना सहज है। इतना ही नहीं अर्थात
केवल आवर्तनशील अर्थशास्त्र ही स्वराज्य का संपूर्ण सूत्र न होकर समाजशास्त्र, संविधान शास्त्र, मनोविज्ञान शास्त्र, उत्पादन कार्य शास्त्र, ये सब स्वराज्य का अंगभूत होना पाया जाता है। इसी के साथ साथ सटीक अध्ययन करने के लिए और दर्शन इन शास्त्रों की पुष्टि के लिए तर्कसंगत विचारों को पाना भी एक अनिवार्यता बना रहता है। इसे प्रस्तावित किए हैं न्याय और समाधान पूर्ण सह अस्तित्ववादी मानव इकाई का अध्ययन और साम्य ऊर्जा में संप्रक्त प्रकृति रूपी अस्तित्व में से साम्य ऊर्जा मयता को अध्यात्म, ईश्वर, परमात्मा, शून्य आदि के नामों से जानने की विधि में अनुभव अर्थात मानव में होने वाली अनुभव और उसके प्रमाणों का अध्ययन आवश्यक है। यही तर्कसंगत विचारों का आधार भी होना पाया जाता है, जिससे ऊपर कहे शास्त्रों का पुष्टि होना देखा गया है। इस विचार के मूल में ही अनुभव रूपी दर्शन का महिमा देखा गया है, जिसको इंगित करने के लिए, हृदयंगम करने के लिए मध्यस्थ दर्शन सहज रूप में मध्यस्थ सत्ता, मध्यस्थ क्रिया, मध्यस्थ जीवन का प्रतिपादन के रूप में व्यवहार, कर्म, अभ्यास और अनुभव दर्शन के रूप में समीचीन हुई अर्थात उपलब्ध हो गई है। इस प्रकार परम सत्य को जानने मानने के लिए दर्शन और उसे तर्क संगत अर्थात विज्ञान सम्मत विवेक, विवेक सम्मत विज्ञान विधि से संप्रेषित करने के लिए विचार सत्यमयता को तर्क संगत विचार प्रणाली पूर्वक व्यवहार विधा में अर्थात परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में प्रमाणित करने के क्रम में शास्त्रों का होना मानव परंपरा सहज आकांक्षा, आवश्यकता और उपलब्धियां हैं। इस प्रकार परम सत्य रूप में सह अस्तित्व है, अस्तित्व में मानव भी एक अविभाज्य इकाई है। इसी विधि से यह भी हम पाते हैं अस्तित्व में प्रत्येक एक अपने त्व सहित व्यवस्था के रूप में होना सत्य है। इन्हीं दो अर्थात परम सत्य और सत्य तथ्यों के आधार पर प्रत्येक एक का लक्ष्य, आचरण और प्रमाण ही केवल व्यवस्था सहज आधार होना पाया जाता है। इस नजरिया से मानव मानवत्व सहित जीने की कला क्रम में दूसरे भाषा से मानवत्व सहित प्रमाणित होने के क्रम में सत्य को समझना परमावश्यक रहा है। यही जागृति सहज प्रमाण है। अस्तित्व न तो रहस्य है और न ही दुरूह जटिल है। अस्तित्व को सत्ता में संप्रक्त प्रकृति के रूप में हर व्यक्ति को समझने योग्य है और अस्तित्व ही सह अस्तित्व होने के कारण पदार्थ, प्राण, जीव अवस्था के साथ साथ ज्ञानावस्था में स्वयं को पहचान पाना सहज है। सह अस्तित्व में ही व्यवस्था सर्वत्र सर्वदा वैभवित है। मानव समझ में आ गया, कुछ पूछना है? व्यवस्था व्यवस्था की जो समझ है वो पांडित्य नहीं, आशा विचार चित्र से वृत्ति, वृत्ति से मन तक, मन से वो निपुणता कुशलता तो दिखा, लेकिन पांडित्य को मतलब निपुणता कुशलता जब व्यवस्था में सूत्रित हो जाती है उसकी जो समझ है वो पांडित्य। आप कहाँ से पूछ रहे हैं, कौन से जीवन शक्ति रूपी तकनीकी अर्थात निपुणता कुशलता पांडित्य का नियोजन कार्य प्रणाली है। संपूर्ण निपुणता कुशलता आशा विचार इच्छा रूपी जीवन क्रिया कलापों का वैभव अथवा महिमा के रूप में विद्यमान रहना पाया जाता है। चित्त में से आवश्यकता के आधार पर चित्रण कार्यकलाप सहित विश्लेषण सम्मत विधि से कुशलता निपुणता मन में विद्यमान रहते है। कल्पना के समय निपुणता कुशलता ही करता है ना।
विद्यमान रहता है ऊपर से नीचे आता है ना, पूरा जो मन में विद्यमान मतलब उसका क्रियान्वयन करेगा शरीर से होगा, वो मन में होगा, उसको पूरा जीवन वैभव अथवा महिमा के रूप में विद्यमान रहना पाया जाता है। फिर लिखा है चित्त में से आवश्यकता के आधार पर चित्रण कार्यकलाप सहित विश्लेषण सम्मत विधि से कुशलता निपुणता है मन में विद्यमान रहता है। चित्रण में उपयोगिता सब उपयोगिता प्रयोजनता फिर उसका विश्लेषण और फिर मन में निपुणता और कुशलता वो कार्य रूप देने के लिए मन में ही होता है ना उसका उसका पहचान व्यवस्था में भाई सुख का आस्वादन करना है उसके लिए जो चयन करना है तो व्यवस्था में सुख है ना, तो व्यवस्था के लिए नियम पूर्वक जो उत्पादन है उसका हम चयन करते हैं उसकी विधि और प्रक्रियाएं फिर हम पहचान लें वो तो मन में ही होगा ना। पांडित्य का वो नहीं पांडित्य तो पांडित्य के बगैर तो ये क्या बोलते हैं निपुणता कुशलता भी नहीं होगी ना, वही तो वो तो साथ में पांडित्य तो उसका ज्ञान पक्ष है ना, जो कुशलता निपुणता में भी जिस नियमों की पहचान है वो भी तो पांडित्य में ही आएगा ना, तो ये दो दो चीजें हम लोग उपयोग करते हैं ना, एक है ज्ञान विवेक विज्ञान ना, ज्ञान विवेक विज्ञान का पहचान स्वयं में होता है, दूसरा है निपुणता कुशलता पांडित्य। तो ज्ञान विवेक विज्ञान जब निपुणता जो व्यवस्था में आता है जीने में आता है तब उसी का नाम निपुणता कुशलता पांडित्य। वो जनरेशन टू जनरेशन होता है, वो एक जनरेशन में नहीं, जब उसको व्यवस्था में पहचानना निर्वाह करते हैं तो वो निपुणता कुशलता पांडित्य है, उसको जीवन में पहचानते हैं तब वो ज्ञान विवेक विज्ञान अद्भुति में हो जाएगा। पांडित्य जो है ना वो तीनों ज्ञान है, जीवन ज्ञान असली ज्ञान मान के, लेकिन वो जो ज्ञान व्यवस्था में पहचानने में, हाँ वो ठीक है, ज्ञान का एक पक्ष है समझना, दूसरा पक्ष है ज्ञान पूर्वक जीना है ना, तो जब ज्ञान पूर्वक जीने की बात आती तब निपुणता कुशलता पांडित्य गति में। मेरा पूछने का भैया ऐसा है कि चित्रण से लेकर बराबर है, चित्रण से लेकर मन तक निपुणता कुशलता है, चित्रण से लेकर मन तक आशा विचार इच्छा को लेकर निपुणता और कुशलता को लिखा है, तो पांडित्य मेरे ख्याल से चिंतन में आएगा ऐसा। हाँ मतलब पांडित्य की स्पष्टता जो है वो चिंतन क्रिया में, लेकिन वो स्वयं में ऐसे नहीं होता है जैसे हम लोग स्वयं में सोचते हैं, ऐसे जब व्यवस्था में चीजों को देखते हैं, जैसे व्यवहार कुशलता, व्यवहार कुशलता जीवन में कैसे समझ में आएगी, व्यवहार में समझ में आएगी है ना, वैसे ही निपुणता, अब जीवन के अंदर कोई निपुणता तो है नहीं, वहाँ निपुणता तो जब आदमी प्रकृति में श्रम करता है ना तभी तो निपुणता का उसका पहचान कब होगा वो आप बता रहे हो, व्यवस्था में उसका पहचान होगा, पहचान वहाँ पे होगा, वो जो कह रहे हैं कि वो जीवन में कहाँ होगा, जैसे यहाँ पे लिखा ना निपुणता कुशलता जो है वो मन में है ऐसा वो कुछ उसको भी आप वैसे ही देखिए व्यवस्था में देखिए, जब हम व्यवस्था देखते हैं ना तो व्यवस्था में भी तो मन वृत्ति चित्त जो है क्रियाशील रहता है, जो जिसको दसो पानी व्यवस्था कह रहे हैं ना वो जीवन क्रियाकलाप का परावर्तन है, तो जो जीवन में होता है वही व्यवस्था में होता है ना, तो जैसे मन का परावर्तन है, मन वृत्ति का परावर्तन है, मन वृत्ति चित्त का परावर्तन है, मन वृत्ति चित्त बुद्धि का परावर्तन है, और मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा का परावर्तन, तो ये जो जब पांचों क्रियाओं का परावर्तन है उसी को अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था कहते हैं, जब बुद्धि तक का परावर्तन है तब उसको अखंड समाज और मानवीय संविधान कहते हैं,
जब चित्त तक का परावर्तन है तो उसमें व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों का तक परावर्तन है, जिसमें पांचों व्यवस्थात्मक कार्यक्रम है उसका परावर्तन है। ऐसे इस रूप में देखना पड़ता है, जो जीवन का परावर्तन व्यवस्था है। तो जब हम व्यवस्था में इसको देखते हैं तब वहाँ निपुणता कुशलता पांडित्य है, जब जीवन में पहचानते हैं ज्ञान विवेक विज्ञान अनुभूति में जाते हैं तो न्याय धर्म सत्य है। इसमें लिखा है कि चित्त में चित्रण और आवश्यकता है, निश्चित रूप आवश्यक ही पहचान देती है, स्पष्ट होती है। तो जो चित है तो वो उसको ग्राम के लेवल पे है, ये जो चित जिसको हम कह रहे हैं व्यवस्था में हाँ। तो वो ग्राम के स्तर जहाँ पे व्यवस्थात्मक कार्यक्रम जो है शुरुआत होती है, पूरे हो गए हाँ। ग्राम सभा में आपके पांचों व्यवस्थात्मक कार्यक्रम जो है ना पूरे हो गए, उस अर्थ में चित। तो वहीं पर आवश्यकता है जो है वो उपयोगिता सदुपयोगिता और प्रयोजनीयता स्पष्ट होगी हाँ। उसी में आगे भी जो लिखा है प्रयोग प्रयोग सब कुछ वही होगा, ये जो लिखा है ना पांडित्य का प्रयोग प्रमाण अकेले व्यक्ति या परिवार में नहीं होता है, तो ये तीनों का प्रयोग कहाँ होगा, ग्राम में होगा, निपुणता कुशलता पाने, क्योंकि अकेले व्यक्ति या परिवार में नहीं होता। 131 का जो पहला पैरा है ना उसी में लिखा हूँ, हर व्यक्ति में निपुणता कुशलता पांडित्य सहज धारक वार्ता संभव और समीचीन है, यह सर्ववांछा भी है। इसमें से निपुणता कुशलता पांडित्य का प्रयोग और प्रमाण अकेले व्यक्ति या परिवार में नहीं होती, ये वाला, क्योंकि निपुणता कुशलता पांडित्य संबंधता और उसका क्रियाकलाप अकेले में नहीं हो पाती और प्रमाणित नहीं होती, अकेले में हो भी नहीं पाती और प्रमाणित भी नहीं होती। इसके विपरीत अकेले में प्रमाणित होने की सभी परिकल्पनाएं भ्रम होना स्पष्ट है। और आगे इस प्रकार निपुणता कुशलता पांडित्य का उपार्जन एक से अधिक मानव यानी समुदाय अथवा संस्थान में ही संभव होना पाया जाता है। जैसे कुछ भी स्वीकार योग्य संस्कारों को स्वीकार ग्राही संस्कार प्रदायी घटना के रूप में शिक्षा शिक्षण कार्य में ग्राही प्रदायी व्यक्तियों को अलग अलग देखा जाता है। इस क्रम में निपुणता कुशलता पांडित्य को प्रमाणित करने के लिए व्यवस्था प्रणाली जिसका स्वरूप स्वराज्य व्यवस्था प्रणाली है, ये प्रमाणित होने के लिए परिवार समूह का होना आवश्यक है। तो जहाँ जिसको स्वराज व्यवस्था कह रहे हैं ना उसी को मानवीय संविधान में ग्राम स्वराज व्यवस्था लिखा है, एक ग्राम स्वराज व्यवस्था का पूरा चैप्टर है हाँ, इसी में इसमें भी संविधान में भी और उसमें भी था ना समाज शास्त्र में नहीं, उसमें होगा व्यवहारात्मक ग्राम स्वराज वाला क्या चैप्टर संविधान में था व्यवहारवादी समाज शास्त्र में भी था ना, नहीं व्यवस्था का अर्थशास्त्र और संविधान दो ही जगह है हाँ, दो जगह संविधान संविधान में ग्राम ग्राम के स्तर पे व्यवस्थात्मक कार्यक्रम पूरा हो जाता है, ग्राम से ऊपर की जो सभाएं हैं वो उसको पूरकता के अर्थ में, मतलब जो उत्पादन कार्य है विनिमय कार्य है जो स्वास्थ्य संयम है शिक्षा संस्कार है उसको पूरकता के अर्थ में ऊपर की सभाएं है ना, ग्राम के स्तर पे वो पूरा हो जाता है, उसके बाद फिर तो ये जो अब मन वृत्ति चित्त बुद्धि और आत्मा को जब सार्वभौम व्यवस्था में देखना कहते हैं तो उसका तात्पर्य बुद्धि मतलब ये जो व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र और अंतरराष्ट्र देखो सह अस्तित्व में अनुभव कौन करता, आत्मा करती है ना, तो सह अस्तित्व में अनुभव का प्रमाण क्या है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, वही उसका प्रत्यावर्तन है ना, तो प्रत्यावर्तन का परावर्तन है ना, तो बुद्धि में क्या स्वीकृतियां होती है ना, तो जो मानवीय आचरण रूपी मानवीय संविधान है वो स्वीकृति है मानव जाति में भी लिखा हुआ है ना, मानवीय आचरण का स्वीकृति होता है, पढ़ा ना
तो वो बुद्धि के लेवल पे, तो ये क्रम से परावर्तन है जीवन में अनुभव संपन्न जागृत जीवन का जो परावर्तन है वो मानवीय व्यवस्था में, परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में। तो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में जो कहाँ से शुरू होंगे, परिवार से शुरू होंगे ना, परिवार से परिवार से फिर परिवार से ग्राम, परिवार एक स्टेप ग्राम में क्या हो जाएगा तो व्यवस्थात्मक कार्यक्रम स्थापित हो जाएंगे है ना, परिवार में समाधान समृद्धि हो जाएगी और ग्राम में पांचों व्यवस्थात्मक कार्यक्रम हो जाए। पांचों व्यवस्थात्मक कार्यक्रम में एक सूत्रता और सामरस्यता विधि पूर्वक होगी। विधि का मतलब मानवीय संविधान, ये तीसरी स्टेज है। चौथी स्टेज में जब अखंड समाज संविधान पूर्वक सूत्रित हो जाएगा तो सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी कर पाएगी है ना, तो ये चौथा स्टेज। तो ये जो है परावर्तन है, जो जीवन का परावर्तन है ना, उससे पहले व्यक्ति में है। तो व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र, इसी स्तर पे पांच स्थितियां बोली हैं। इसीलिए बोला अकेले व्यक्ति में होता नहीं, परिवार में भी उसका स्पष्ट रूप नहीं आता होता कुछ, उसका जो सही स्वरूप है वो समाज से ही शुरू होता है। परिवार समाज, यहाँ पे उन्होंने संस्था शब्द लिखा है, संस्था है संस्थान, जहाँ पर ज्यादा लोग एक साथ रहते हैं वहाँ निपुणता पांडित्य प्रमाणित होता, वहाँ प्रमाणित होता है। तो वो ये दस सोपानी व्यवस्था में ग्राम सभा, ग्राम में ही होगा, नहीं यहाँ परिवार समूह लिखा है, परिवार समूह में शुरू हो जाएगा, प्रमाणित हो जाएगा, प्रमाणित गांव में होगा पूरा, उसके बाद प्रयोग है, उसके बाद इन तीनों का प्रयोग है जो दस सौ पानी, दस सौ पानी व्यवस्था प्रयोग शुरुआत परिवार समूह से होके गांव में। तो इसीलिए वो जो मैं ये कह रहा था कि इन तीनों का पहचान वो व्यवस्था में होता है ना, इन तीनों की जो समझ है वो जीवन में होती है। समझ ज्ञान विवेक विज्ञान के रूप में, ज्ञान विवेक विज्ञान को ही सम्मिलित रूप में क्या बोल रहे हैं, प्रबुद्धता बोल, प्रबुद्धता का मतलब ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न होना। तो जीवन में समझना, फिर जो पहचानना निर्वाह करना है वो परंपरा में, मानव परंपरा पहचानना निर्वाह करना जो है मानव संबंधों से शुरू होगा। तो मानव संबंध में पहचानना और निर्वाह करना व्यवस्था में, जो संबंध की जो पहचान है वो व्यक्ति से लेके अंतरराष्ट्र तक है ना। तो व्यक्ति संबंध को पहचानता है परिवार में, परिवार संबंध को पहचानता है समाज में, समाज संबंध को पहचानता है राष्ट्र में, राष्ट्र अंतरराष्ट्र, इस तरीके से संबंध जो है संबंध का पहचान होता। फिर इसके बाद निर्वाह करना, निर्वाह करना परस्पर पूरकता में होता है, परिवार समाज के लिए करता है, समाज परिवार के लिए, परिवार और समाज जो है राष्ट्र के लिए करता है, राष्ट्र जो है समाज और परिवार के लिए करता है ना। ये तीनों मिलके अंतर्राष्ट्र के लिए करते हैं, अंतर्राष्ट्र जो है वो इन सभी के लिए करता है ऐसा। ये जो है परस्पर पूरकता है, तो व्यवस्था जो है परस्पर पूरकता के रूप में ही जागृति सुलभता है ना, वो जागृति को सुलभ कराती और समृद्धि की निरंतरता को बनाए रखती है, समृद्धि की निरंतरता। नहीं तो यदि एक परिवार यदि श्रम पूर्वक आवश्यकता से अधिक उत्पादन भी करेगा, उसमें कई चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं, कहीं पानी नहीं गिरा, कभी कोई बीमार हो गया, कभी कोई ये कोई वायरस आ गया, तब वो श्रम करने में परिवार सक्षम नहीं होगा, उस स्थिति में उसके समृद्धि की जगह अभाव आ जाएगा, उस अभाव को व्यवस्था पूरा करेगी ताकि वो समृद्धि की निरंतरता बनी रहे, इस रूप में वो अक्षुण्णता। तो व्यवस्था जो है अक्षुण्णता और निरंतरता और सुलभता, इन तीनों के अर्थ में व्यवस्था।
तभी हम तीनों काल में सुखी रह सकते हैं, मतलब निरंतर सुखी रह सकते हैं, या निरंतर सुख को हम मतलब जो अनुभव में जो आनंद है उसको मानव परंपरा में प्रमाणित कर सकते हैं। यदि उसकी अक्षुण्णता अक्षुण्णता नहीं है, निरंतरता नहीं है, तो प्रमाण कहाँ हुआ? प्रमाण ठीक है ना? में आया है विषय में आ रहा है, इसलिए बाबा जी ने कहा ये बहुत कठिन भी नहीं है, है ना, इसमें कोई रहस्य नहीं है ना, ये कोई कठिन है, ये तो सबको समझ में ही आने वाली वस्तु है, ना कुछ नहीं इसमें क्या इतना बहुत दिमाग लगाने का, समझ में आते ही है, इसलिए अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में रहस्य नहीं। और दूसरा है हर व्यक्ति समझ सकता है, ऐसा भी नहीं है कोई समझ नहीं सकता, इसलिए इसमें विशेषज्ञता वाला कोई पक्ष नहीं, कोई विशेष लोग ही समझ सकते हैं ऐसा नहीं, क्योंकि विशेषज्ञता रहेगी तो समानता नहीं आएगी, है ना, समानता जो है वो संतुलन बिंदु है या तृप्ति बिंदु है ना, तो हर व्यक्ति तृप्ति बिंदु संतुलन बिंदु पूर्वक जी सकता है और उसकी निरंतरता को बनाए रखने का, संतुलन और तृप्ति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए व्यवस्था है। यही तो पढ़ा ना लेते हैं। ये लिखा ना, इसी क्रम में निपुणता कुशलता पांडित्य को प्रमाणित करने के लिए व्यवस्था प्रणाली जिसका स्वरूप स्वराज व्यवस्था प्रणाली है, यह प्रमाणित होने के लिए परिवार समूह का मिनिमम, यहाँ से शुरू होगा परिवार समूह से, तो परिवार समूह का होना आवश्यक है, स्वराज का परिभाषा ही है स्वयं का वैभव को प्रमाणित करने का संपूर्ण दिशा कोण आयाम काल परिप्रेक्ष्य। इन सभी जगह प्रमाणित हो जाना ही स्वराज है। हाँ, और वैभव का स्वरूप क्या है? वैभव का स्वरूप लिखा स्वयं का वैभव, तो स्वयं के वैभव का स्वरूप न्याय सुलभता, उत्पादन सुलभता, विनिमय सुलभता ही है। ऐसे ऐसे वैभव का नित्य स्रोत नाना फूल में शिक्षा संस्कार और स्वास्थ्य संयम कार्य प्रणाली है। स्वराज्य के अंगभूत विधि से ही आवर्तनशील अर्थशास्त्र का अध्ययन मानवीयता पूर्ण होना सहज है। ठीक है, इतना इतना ही नहीं, अर्थात केवल आवर्तनशील अर्थशास्त्र ही स्वराज्य का संपूर्ण सूत्र ना होकर समाज शास्त्र, संविधान शास्त्र और मनोविज्ञान शास्त्र, उत्पादन कार्य शास्त्र, ये सब स्वराज्य का अंगभूत होना पाएगा। मतलब केवल उत्पादन नहीं है ना, ये सब चीजें तो जितनी भी व्यवस्थात्मक कारकों हैं उनसे संबंधित सभी शास्त्रों की भी शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक है। इसी के साथ साथ सटीक अध्ययन करने के लिए और दर्शन, इन शास्त्रों की पुष्टि के लिए तर्कसंगत विचारों को पाना भी एक अनिवार्यता बना रहता है, इसे प्रस्तावित किए हैं। हाँ, यदि दर्शन की पृष्ठभूमि नहीं है तो शास्त्र समझ में ही नहीं आए, है ना, और दर्शन कैसे आएगा तो यदि विचार में तर्क सम्मत नहीं, दर्शन तर्क सम्मत विधि से स्पष्ट होता है ना, दर्शन की स्पष्टता में शास्त्र यानी आचरण स्पष्ट होता है, शास्त्र आचरण के लिए है ना, है ना, आचरण में संविधान और व्यवस्था स्पष्ट होती है,
तर्क संगत विचार मतलब ये वाद की बात कर रहे तीनों वाद, दर्शन के बाद फिर वाद। जैसे हम कहते हैं ना व्यापक वस्तु, एक एक व्यापक वस्तु में एक एक वस्तु, तो ये शुरुआत तो वाद ही है, अभी तो वाद है ना, फिर इसमें तर्क लगाते हैं, है ना, इसमें डूबा भीगा गिरा है, ये संप्रक्तता एक तर्क है, है ना, अब ना डूबा भीगा गिरा तो एक संकेत है, संकेतात्मक भाषा, तो डूबा भीगा गिरा से संभावना पता लगती है, है ना, कैसे डूबा भीगा गिरा, तो ऊर्जा संपन्नता, क्रियाशीलता और नियति इस रूप में है ना, हमको ये पता लगता है डूबा भीगा गिरा, तर्क लगा रहे हैं ना, तर्क से संभावना का संभावना प्रकट होती है, उसमें देखने की क्रिया होती है, तभी हम आचरण को देख पाते हैं, ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता, है ना, स्वत्व को, उस सबको देख पाते हैं, है ना, और आचरण को देख पाते हैं, आचरण में क्रियाशीलता, ये जो देख पाना इसी का नाम दर्शन क्रिया, है ना, उसमें तर्क सहायक, तर्क भी तभी होता है जब अनुभव की सूचना है, अनुभव की सूचना नहीं हो तो तर्क कैसे लगाओगे, है ना, तो जो अनुभव संपन्न व्यक्ति है उसने देखने के बाद संप्रेषित करने के अर्थ में तर्क का प्रयोग किया, तो संप्रेषित क्या किया, तो सहस्तित्व को दर्शन वाद शास्त्र संविधान दिया, है ना, तर्क सम्मत बना दिया, ताकि तर्क सम्मत विधि से जो अनुभव है उसका अनुमान बन सके, तो दर्शन से आपको अनुभव का अनुमान लगता है, अनुमान पूरा हो गया उसी को साक्षात्कार करें, तो साक्षात्कार पूर्वक जीना हो गया, अवधारणा हो गया, अवधारणा ही धारणा, धारणा में बोध और अनुभूति साथ साथ, जब समझ होगी ना तो ऐसा थोड़ी है कि खाली अर्थशास्त्र की समझ होगी या खाली मनोविज्ञान की समझ होगी, हम तो इन टोटल जाएंगे ना, तो उत्पादन कार्य में मतलब हम नियमों को भी पहचानेंगे, किस ऋतु में क्या क्या होगा, प्रकृति के साथ संबंध का भी निर्वाह करेंगे और मानव के साथ भी करेंगे और वो अखंड व्यवस्था के अर्थ में करेंगे, तो ये सब चीज़ें जो हम जो वास्तविकताएँ जो हमको इंगित रहती हैं उनके प्रकाश में हमारा कार्य व्यवहार नियंत्रित रहता है, संतुलित रहता है, व्यवस्थित रहता है, ये सभी मिला करके तो निपुणता कुशलता पांडित्य का कोई पहचान होगी, इससे कम में थोड़ी होगी, तो वो पूरा ही है, मतलब संविधान तक जब तक हमको स्पष्ट नहीं है, पूरे अखंड समाज तक, तब तक उसको पांडित्य कहेंगे भी नहीं, है ना, तो उसमें हजारों चीजें हमको एक साथ अप्लाई करनी होती है, व्यवहार भी होगा प्रकृति के साथ भी व्यवहार होगा, हमको जब कह रहे हैं तो यहाँ मानव को, हमको मानव से मानव करता ही है, है ना, और ये जो समझ है परंपरा में रहती है, मानव से आशय इतना है कि हर मानव मानव मानसिकता संपन्न रहेगा, रहेगा तो एक इकाई के रूप में ही और परिवार की एक इकाई के रूप में या समाज की एक इकाई के रूप में, तो वो तो मानव मतलब मानव का मतलब सर्व मानव का स्वत्व समान है, समझ भी समान होगी, लक्ष्य भी समान होगा, कार्यक्रम भी समान होंगे, वो ऐसे मानव को सर्व मानव के रूप में गण्य किया जाता है, तो सभी कुछ मिलाकर के होता है, सारे वाद शास्त्र दर्शन सब मिलाकर के ही निपुणता कुशलता नित्य का पहचान होगा, अलग अलग ना? एक साथ हम कितनी चीजें अप्लाई करते हैं हमको पता भी नहीं रहता कितना अप्लाई करते हैं, फिर आगे भी इसमें जो लिखा है ना, न्याय और समाधान पूर्ण सहअस्तित्ववादी मानव इकाई का अध्ययन, न्याय और समाधान पूर्ण सहअस्तित्ववादी मानव इकाई का अध्ययन, कैसे मानव का, तो न्याय और समाधान पूर्ण सहअस्तित्ववादी जीता होगा जागृत मानव, है ना, मानव इकाई का अध्ययन,
और साम ऊर्जा में संप्रक्त प्रकृति रूपी अस्तित्व में से साम ऊर्जा को आध्यात्म ईश्वर परमात्मा सूर्य आदि के नामों से जानने की विधि में अनुभव अर्थात मानव में होने वाली अनुभव और उनके प्रमाणों का अध्ययन आवश्यक है ना। यही तर्क संगत विचारों का आधार होना पाया जाता है जिससे ऊपर कहे शास्त्रों का पुष्टि होना देखा गया। ये जो ऊपर 4-5-6 शास्त्र बताए इनका जीने में पुष्टि होना देखा। इस विचार के मूल में ही अनुभव रूपी दर्शन का महिमा देखा गया है जिसको इंगित कराने के लिए हृदयंगम कराने के लिए मध्यस्थ दर्शन सहज रूप में ही मध्यस्थ सत्ता मध्यस्थ क्रिया मध्यस्थ जीवन का प्रतिपादन के रूप में व्यवहार कर्म अभ्यास और अनुभव दर्शन के रूप में समीचीन हुई अर्थात उपलब्ध हो गई है। चार दर्शन तो जो मध्यस्थ सत्ता मध्यस्थ क्रिया और मध्यस्थ जीवन तो जो क्या है तो व्यवहार कर्म अभ्यास और इन सब के मूल में है ना जीवन ही है जीवन शक्ति है इसलिए मध्यस्थ जीवन मध्यस्थ जीवन में मध्यस्थ क्रिया और मध्यस्थ क्रिया में मध्यस्थ सत्ता जो व्यापक वस्तु या सहस्तित्व है वो मध्यस्थ सत्ता या सत्य सत्य ही मध्यस्थ सत्ता है। इस प्रकार परम सत्य को जानने मानने के लिए दर्शन उसे तर्क सम्मत अर्थात विज्ञान सम्मत विवेक और विवेक सम्मत विज्ञान विधि से संप्रेषित करने के लिए विचार सत्यमयता को तर्क संगत विचार प्रणाली पूर्वक व्यवहार विधा में अर्थात परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में प्रमाणित करने के क्रम में शास्त्रों का होना तो ये उसका प्रयोजन क्या है शास्त्रों का परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में प्रमाणित करने के क्रम में है ना शास्त्रों का होना मानव परंपरा सहज आकांक्षा आवश्यकता और उपलब्धि है ना। पहले आकांक्षा है फिर आवश्यकता हो गई इस प्रकार परम सत्य रूपी से अस्तित्व है अस्तित्व में मानव भी एक अविभाज्य इकाई है। जो हम इसको व्यवस्था से लेके जीवन तक है ना व्यवस्था से लेके जीवन तक है ना और जीवन को व्यापक सत्ता में है ना तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक अविभाज्यता में देख लेते यही सह अस्तित्व तो है यही अस्तित्व में मानव भी एक अविभाज्यता है ये स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार परम सत्य रूप में सह अस्तित्व है हाँ। इस विधि से यह भी हम पाते हैं इस अस्तित्व में प्रत्येक एक अपने त्वासहित व्यवस्था के रूप में होना सत्य है ना इन्हीं दो परम सत्य और सत्य तथ्यों के आधार पर प्रत्येक एक का आचरण और प्रमाण ही केवल व्यवस्था से आधार होना पाया जाता है। तो इसमें जो सत्य है वो सस्तित्व है और परम सत्य सत्य इसमें सत्य का मतलब है हर इकाई अपने त्वासहित व्यवस्था में रहना सत्य है और ये जो हर इकाई है वो सत्ता में संप्रक्त रहना परम सत्य स्वयं में व्यवस्था सत्य है और स्वयं में व्यवस्था पूर्वक समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना परम सत्य परम सत्य का प्रमाण है ना परम सत्य के रूप में हर इकाई सत्ता में संप्रक्त है। लिखा है ना दोनों परिभाषा दी हुई है या सत्य को जीवन ग्रहण ये लिखा है ना ये लिखा है इस प्रकार परम सत्य रूपी परम सत्य रूप में सह अस्तित्व है
और उसी के नीचे हाँ उसी के नीचे लिखा है अस्तित्व में मानव भी एक अविभाज्य इकाई है। इसी विधि से यह भी हम पाते हैं कि अस्तित्व में प्रत्येक एक अपने त्वासहित व्यवस्था के रूप में होना सत्य है, है ना। तो ये सत्व और सहस्त्व परम सत्व और सत्य है ना। तथ्यों के आधार पर प्रत्येक एक का लक्ष्य आचरण और प्रमाण ही केवल व्यवस्था सहज आधार न पाया जाता। इस नजरिए से मानव मानवत्व सहित जीने की कला क्रम में दूसरे भाषा से मानवत्व सहित प्रमाणित होने के क्रम में सत्य को समझना परमावश्यक रहा है। यही जागृति सहित प्रमाण है। अस्तित्व ना तो रहस्य है और ना ही दुरूह है या जटिल है। अस्तित्व को सत्ता में संपर्क प्रकृति के रूप में हर व्यक्ति समझने योग्य है और अस्तित्व ही सह अस्तित्व के होने के कारण पदार्थ प्राण जीव अवस्था के साथ साथ ज्ञान अवस्था में स्वयं को पहचान पाना सहज है। सह अस्तित्व में ही व्यवस्था सर्वत सर्वदा वैभवित है। तो ये जो सहस्तित्व है उसी में अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र कोई वैचारिक अवधारणा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अभी मौसम का परिवर्तन हो रहा है, उसमें एक परिवर्तन को कहते हैं एल नीनो इफेक्ट। तो एल नीनो इफेक्ट का मतलब होता है एक प्रकार का वातावरण है एक किसी क्षेत्र में, ये वातावरण अपनी जगह से सरक के कहीं और चला गया, है ना। जैसे मान लो छत्तीसगढ़ में एक प्रकार का वातावरण है तो उसको कहते हैं धान का कटोरा, वहाँ पे धान पैदा होता है क्योंकि वहाँ वैसा वातावरण है। अब ये वातावरण यदि सरक गया वहाँ से, मान लो 200 किलोमीटर सरक गया, तो धान का कटोरा भी सरकेगा उसके साथ। तो धान का कटोरा सरकेगा तो पूरी इकोनॉमिक सिस्टम बदलेगा, है ना। अभी छत्तीसगढ़ में धान पैदा होता है इसलिए राइस मिल है। अब जब राइस धान पैदा नहीं होगा तो राइस मिल का क्या काम, है ना। राइस मिल है तो राइस का व्यापार है, राइस के आधार पे इकोनॉमी है ना। तो जो नैसर्गिकता के योगफल में ही अर्थव्यवस्था काम करती है और नैसर्गिकता से अस्तित्व है ना। नैसर्गिकता से जिनको हम लोग नैसर्गिकता कह रहे हैं वो सह अस्तित्व सहज नियम नियंत्रण संतुलन और निश्चित आचरण है। उसी निश्चित आचरण को हम लोग मौसम कह रहे हैं, है ना। वो मौसम क्या है तो एक प्रकार का वातावरण किसी एक अवधि तक बना रहना, है ना। उसी को तो मौसम कह रहे हैं, ठंडी गर्मी बरसात। अब ये मौसम का परिवर्तन होगा तो क्षेत्र का भी परिवर्तन होगा। जैसे अभी यहाँ गर्मी पड़ती है कहीं ठंडी पड़ती है कहीं बरसात होती है, ये बना ही रहता है ना। अभी इस समय भी पृथ्वी में कहीं बरसात हो रही होगी, कहीं ठंड पड़ रही होगी, कहीं गर्मी पड़ रही होगी, है ना। ऐसा बना रहता है। तो ये सरक गया है, ये अपनी जगह से थोड़ा सा सरक गया है। उस स्थिति में पूरा अर्थव्यवस्था सरक गया है, उसकी अभी बाध्यता नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी रेगिस्तान में जो पैदा होता है, मान लीजिए रेगिस्तान आपका 300 किलोमीटर सरक गया, तो जहाँ पर रेगिस्तान नहीं वहाँ रेगिस्तान आ जाएगा और जहाँ रेगिस्तान है वहाँ वनस्पति आ जाएगी। अभी ये जो बीकानेर वाला रेगिस्तान है, क्या बोलते हैं कौन सा थार राजस्थान का पूरा थार ही है। तो वो जो थार का रेगिस्तान है लगभग 60-70 किलोमीटर सरक गया है, वहाँ खेती होने लगी है, पेड़ पौधे उगने लगे। इवन सरदार शहर में पहले पेड़ पौधे उगते ही नहीं थे, उगते थे तो गर्मी में जल जाते थे। मतलब हम जब गए थे 2010 में, तब से लेके आज 10 साल में सरदार शहर में 5 गुने ज्यादा पेड़ हो गए।
मैं भी जिस जगह नहर में खेती करता हूँ ना, मैं उस जगह ये हाल था, आज से 50 साल पहले भेड़ बकरी चराने वाले मतलब ऐसा कोई पौधा नहीं था 100-100 किलोमीटर तक। जैसे धूप में बैठता ना हो ना तो कपड़ा बांधते थे झाड़ी पे, उसके नीचे बैठते थे, और गाय के ऊपर वाले जो है ना ये बाल पूरी धूप में उड़ जाते थे। और नहर आने से इतने जंगल हो गए हैं, इतने कितने गुना आप कह सकते हो, दो चीजें हो गई, पंजाब जैसा हो गया, तो नमी बढ़ गई, दो चीजें हो गई, एक नहर आ गई है, आगरा नहर नहीं, एक और भी चीज भी पानी गिरने लगा, पानी बरसात जो है वो यही तो मौसम परिवर्तन का बात है। पिछले साल बरसात हुई, उससे पहले साल हुई फरवरी में बरसात होती है 4 साल से, हाँ नहीं तो होती नहीं थी बरसात, ये आज से 15-10 साल पहले बीकानेर तक होती थी, अब जल्दी होने शुरू हो गई, और ये पाकिस्तान की तरफ सरक रहा है, हाँ उस तरफ सरक, वहाँ सूखा हो रहा, वो तो अर्थव्यवस्थाएं बदल, इसको अभिभाजिता में ही देखना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था को भी अभिभाजिता में बाकी क्या कोई खोलते नहीं।